गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी लोग को आज ही अपनी वाई सिटी चैनल पे जो है स्वागत है। सभी दोस्त, सभी लोग लाइव आ जाइए और देखिए आपके सामने बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, एनालॉजी के क्वेश्चन आपके सामने। देखिए दोस्त, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुने। पहला दिया है लेखक, जो है किससे संबंधित है? देख लें क्या भाई, लेखक किससे संबंधित है? लेखक जो है किससे लिखते हैं? कलम से। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि दर्जी, दर्जी क्या करते हैं? दर्जी देखिए इसमें निम्न विकल्पों में से देख लीजिए, क्या कुल्हाड़ी चलाते हैं? नहीं। क्या सुई से सीते हैं? हाँ। क्या आरी से काटते हैं? क्या दर्जी कपड़ा काटते हैं? नहीं काटते हैं, इसलिए आरी नहीं होगा। सर्जन की छुरी, जो डॉक्टर वॉक्टर जो होते हैं उसको सर्जन, जैसे जिस ब्लेड से अपना जो है सर्जरी वगैरह करते हैं, ऑपरेशन वगैरह, तो उसे सर्जन बोलते हैं। इसलिए ये तीनों विकल्प आपके नहीं हो सकते, तो आपका विकल्प कौन सा हो सकता है दोस्त? विकल्प नंबर बी हो सकता है। ठीक है, आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आइए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इस क्वेश्चन का यही तो है, लेखक जो है कलम से संबंधित है, लेखक कलम से लिखता है। दर्जी किससे? दर्जी जो है कपड़ा किससे सीता है? सुई लगी होती तभी तो, सुई से ही बटन वटन जो भी काम करना होता सुई से ही करना होता है। ठीक है भाई, आइए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। तो उस क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शब्द पहले से संबंधित है। जिस प्रकार जो पहला शब्द है दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार से कह रहा है कि तीसरा शब्द किससे संबंधित है। यही तो आपसे बोल रहा है, किससे संबंधित है दोस्त? तो इसमें देख लीजिए, शर्ट जो है परिधान, परिधान किसका पर्यायवाची होता है? परिधान जो है आपका कपड़ा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है दोस्त? पर्यायवाची होता है किसका? कपड़ा का। इसलिए शर्ट जो है किससे संबंधित है? पर्याय इससे, कपड़ा से। ये आपका परिधान जो है किससे संबंधित होता है? कपड़ा, कपड़ा इसे बोलते हैं। शर्ट वगैरह जो भी है, जितने भी क्लोथ्स आते हैं, सब इसमें किसमें? परिधान के अंतर्गत। सेम उसी तरह से कह रहा है कि हार जो है, हार से क्या बनाया जाता है? हार जो है क्या है? पर जंजीर है? नहीं। सोना? नहीं। आभूषण? आभूषण है। गर्दन? गर्दन नहीं। गर्दन तो आपके मनुष्य का जो है ये पार्ट होता है, यही तो गर्दन बोला जाता है। तो इसमें आपका ये विकल्प डी विकल्प भी नहीं हो सकता। और सोना, सोना नहीं हो सकता क्योंकि सोना आभूषण है, आभूषण के अंतर्गत आपका हार भी आभूषण है, तो हार के अंतर्गत क्या आएगा भाई? आभूषण आ जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा हो सकता है? विकल्प नंबर सी हो जाएगा भाई। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि बिहार झारखंड से, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ किससे है? बिहार जो है झारखंड का एक राज्य, बिहार जो है किससे? झारखंड से अलग होकर के, जो बिहार से अलग होकर के क्या झारखंड हुआ है। तो सेम उसी तरह से कह रहा है कि किससे छत्तीसगढ़ किससे संबंधित होगा। तो छत्तीसगढ़ क्या महाराष्ट्र से? छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में नहीं है भाई, छत्तीसगढ़ आपका महाराष्ट्र में नहीं है, तो इसलिए महाराष्ट्र आपका विकल्प होगा नहीं। तो रांची में है? रांची भी नहीं है। तो रायपुर है? रायपुर भी नहीं है। तो आपका विकल्प कौन सा? मध्य प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में पड़ता है भाई, इसलिए आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। तीसरा विकल्प वही संबंध रखता है किससे? पहला शब्द जिसे जो दूसरे से लगता है। सेम उसी प्रकार से पूछ रहा है तीसरा किससे संबंध रखेगा, वही भी पूछ रहा है आपसे। अब इसमें देखना है भाई, क्या गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक प्रकार का बल है, जो कि खोज कौन किया था? ये आपके न्यूटन ने किए थे। कौन किए थे भाई? न्यूटन। न्यूटन ने किए थे। कौन? न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया? खोज किए, इसका खोज किए थे। ठीक है, अब इसी प्रकार से टेलीफोन जो है, टेलीफोन की खोज या आविष्कार की बात करते हैं। इसमें खोज भी दिया होगा, खोज नहीं दिया, आविष्कार या खोज वही चीज होती है। अब इसमें टेलीफोन की जब बात करते हैं तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था भाई? आविष्कार या खोज?
आपके विकल्प में खोज नहीं दिया है, आविष्कार दिया है, तो आविष्कार आपका विकल्प हो जाएगा। टेलीफोन का खोज जो है ये आविष्कार कौन किया? क्या था? ग्राहम बेल। कौन भैया? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा भाई? विकल्प नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने। इसमें कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द आपका है दूसरे से संबंध रखता है। भाई किससे? दूसरे शब्द से संबंध रखता है। सेम इसी तरह से इसमें देखिए प्रसन्नता का मतलब क्या होता है? अगर अप्रसन्नता, प्रसन्नता का विलोम शब्द क्या होता है भैया? दुख। अगर आप खुश हैं तो खुश का विलोम क्या होगा? दुख होगा। अब इसी तरह से वैषम्य, वैषम्य का मतलब होता है विषम, विषम होता भाई ये विषम, विषम, विषम का मतलब अलग, वही दोनों जो भिन्न दिखे अलग। अब इसने कहा प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा आपका होगा नहीं, युद्ध होगा, युद्ध विषम होगा नहीं होगा भाई, तो इसलिए आप युद्ध को नहीं टिक करेंगे। अब आप उनको गुस्सा करेंगे, गुस्सा होगा नहीं, गुस्सा भी नहीं होगा। तो विषमता, समता, ये देखिए सम, सम शब्द पहले आ गया तो इसका मतलब समता, इसका मतलब समान, यही बात हुई क्या? समर, समरसता, इसका मतलब समान भाई, समान या सम, इसी को भी क्या बोलेंगे? सम। ये आपका विषम है, इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? विषम। समरसता, समरसता आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा भाई। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब एक चीज हमको ये बताइए भाई, इसमें कागज जो है किससे? कागज जो है, कागज जो है आपका, कागज क्या करता है? स्टेपल। अच्छा एक चीज हमको ये बताइए, अगर कागज को, कई कागज जैसे कि एक तरफ से मतलब छिटके उठके हुए हैं, बिखरे हुए पड़े हैं, अगर इसको एक एक सीक्वेंस में रखना है तो उसको आप स्टेपल करके कहीं अपना रख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से कपड़े को बोल रहा है, कपड़े अगर मान लीजिए आपके बेड पे ऐसे छीटे उठे पड़े हैं तो कह दिया जाए कि इसको कैसे रखा जा सकता है? हैंगर में ही टांग कर रखेंगे, उसको फोल्ड करके या तो हैंगर में रखेंगे, तो एक विकल्प हो जाएगा कौन सा? हैंगर। अब इसमें आपका आ जाता है डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट की मान, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की यहाँ, डिटर्जेंट यहाँ हो जाएगा भाई, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट एक ऐसा क्या होता है, ये आपका अपमार्जक होता है, ये साबुन में पाया जाता है भैया, जब इसमें साबुन में घोल एक झाग देखते होंगे अपमार्जक के रूप में होता है, वही डिटर्जेंट का होता है। सेम इसी तरह से आपका ड्रायर, ड्रायर आप लोग जिसे कि मान लीजिए कभी कभी कपड़ा आपका जैसे कि क्लोथ वगैरह, जैसे कि ऊनी, जैसे आपका जैकेट हो गया या आपका कोई भी सूट हो गया, उस तरह से जो आपके माध्यम से नहीं धुला जाता उसको ड्रायर क्लीनर, क्लीन ड्रायर क्लीनर के पास भेजा जाता है, तो आपका ड्रायर क्लीनर उससे संबंधित हो जाएगा। अब इसमें वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में आपका कपड़ा धुला जाता है ना कि टांगा जाता है, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा भाई? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए आई देखिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से, तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द किससे संबंधित है? पहले शब्द से संबंधित है। तो कह रहा है कि गन्ना कैसे बनता भैया? गन्ना से क्या बनाया जाता है? गुड़ का निर्माण होता है। गन्ने से क्या बनाया जाता भाई? गुड़ का निर्माण होता है। तो उसी तरह से नारियल से क्या बना सकते हैं? नारियल आप देखे होंगे कि नारियल से जो है क्या समुद्र तट, क्या एक समुद्र का किनारा बना सकते हैं? नहीं, ये तो आपका विकल्प होगा नहीं। गन्ना ए, नारियल से फल बना सकते हैं? नारियल तो एक फल है ही, तो इससे बनाना क्या है? तो आपका फल होगा नहीं, हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है सफेद, नारियल सफेद भी होता है, तो सफेद आपका होगा नहीं विकल्प में। अब इसके बाद कह रहा है कि नारियल की जटा, नारियल की जटा, नारियल से नारियल की जटा जो उसकी जो है, जटा का मतलब जैसे कि आप जैसे कि रस्सी वस्सी वगैरह बना सकते हैं इससे, नारियल से, तो नारियल के ऊपर देखेंगे जो छिलका होता है उसका, वो जो है आपका रस्सी के काम में आता है, बनाते हैं उससे क्या? जटा उसी बोलते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई? विकल्प नंबर सी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द किससे संबंधित है? पहले शब्द से संबंधित है। ये जो दूसरा शब्द है पहले शब्द से कैसे संबंधित है, इसी तरह से कह रहा है जो चौथा शब्द होगा तीसरे शब्द से कैसे संबंधित होगा, यही तो आपको बताना भाई। अब इसमें रही बात, इसकी कहते हैं कविता में क्या होता है, छंद होता है। कविता जो है कविता में क्या होता है, छंद होता है। उसी तरह से पुस्तक में क्या कहानी होती है, पुस्तक कई प्रकार की होती है, कहानी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसमें आपका विकल्प कहानी होगा नहीं। क्या छपाई होता है पुस्तक में? नहीं, छपाई की बात भी नहीं। अब क्या भाषा है? भाषा तो उसमें अब पतन कौन सी लैंग्वेज लिखी होती है, उसमें आपको भाषा भी नहीं हो सकता है। पुस्तक में पृष्ठ होते हैं भाई। एक चीज कहा जाए कि अगर आपके पास पुस्तक है उसमें कहा जाए कितने पृष्ठ हैं, तो आपका पृष्ठ से संबंधित हो जाएगा, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। गोंद से क्या बनाया जाता है भैया? गोंद को क्या करते हैं? गोंद किस काम में आता है आपका? गोंद जो है कागज को चिपकाने में। जैसे मान लीजिए आपकी बुक वगैरह कभी फट जाती है तो आप क्या करते हैं? गोंद से चिपकाते हैं। सेम उसी तरह से कह रहा है कि ईंट से क्या बनाया जाता है? ईंट से, ईंट को कैसे चिपकाते हैं? गोंद से आपने कागज को चिपका दिया, अब ईंट को कैसे चिपकाएंगे? क्या राजगीर से चिपकाएंगे? राजगीर का मतलब जो आपका क्या है, आपके मिस्त्री जो आपके दीवार वगैरह बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, ये मिस्त्री। और यही बात अगर जैसे कि सऊदी अरब की बात करते हैं, सऊदी अरब में तो उसमें बोलते हैं मसान, वहां बोलते हैं क्या? मसान। इन्हीं लोगों को मसान के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं लोगों को क्या? मसान के नाम से। क्या आपके घर और बनाने के काम में आते हैं? जैसे घर आपके हो गए, दीवार वाल बनाने में जो है राजगीर काम आते हैं। सेम उसी तरह से आप पत्थर की जब बात करते हैं तो पत्थर, पत्थर से आप देखेंगे सड़क भी बनाई जा सकती है, पत्थर से घर भी बनाया जा सकता है, सब चीज बनाए जा सकते हैं उससे। अब इसी तरह से दीवार, क्या ईंट से दीवार बनाई जा सकती है? दीवार तो बनाई जा सकती है, लेकिन चिपकाने की बात हुई ना, दीवार तो बनेगा ही, लेकिन पूछ रहा है चिपकाने की बात करता है, तो चिपकाने में आपका क्या हो जाएगा भाई? गारा से चिपकाएंगे। जब उसमें आप मसाला बनाते हैं जैसे सीमेंट बालू का आप जो है जब उसका पेस्ट बनाते हैं, वही किसके रूप में हो जाता है? गारा के रूप में। अब उससे जो है ईंट को जो है ऐसे लगा करके उसमें जो अपना चिपका देते हैं, तो ये एक सीक्वेंस में चपक जाता है पूरा सी ईंट जो है, कई ईंट मिलकर के एक दीवार का निर्माण कर देते हैं दोस्त। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि अंगूठा हाथ का जो है क्या है? अंगूठा हाथ में आपकी क्या है भैया? हाथ है, यही हाथ में क्या है आपका? अंगूठा है। सेम उसी तरह से कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से। अंगूठा आपके किस में है? हाथ में है। तो सेम उसी प्रकार से आपके जो पेन में क्या लास्ट में जो आप देखेंगे नोक होती है उसी को निब बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? निब। क्या पेन में उंगली होती है? नहीं भैया, पेन में उंगली नहीं होती। क्या पेन में होल्डर होते हैं? नहीं। होल्डर आप जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब को उसमें जो है होल्डर में आपका होल्डिंग किया जाता है, मतलब उसमें टांगा जाता है, तो आपका बल्ब में क्या? होल्डर। आप इसमें आपका कागज, कागज क्या भैया? इसमें पेन में कागज होगा, पेन के नोक में क्या कागज होगा? नहीं, तो वही निब होगा। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर डी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जो दूसरे शब्द का
पहले शब्द से है। किससे भैया? पहले शब्द से है। जल्दी से आप लोग नोट करके इसका आंसर बताइए भाई, सभी लोग एक तरफ से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग एक तरफ से बताइए इसमें आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग एक तरफ से आंसर बताइए। एक चीज कहा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, भारत का राष्ट्रीय पशु आपका चीता है, तो सेम इसी तरह से कहा जाए कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपका क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। तो गाय आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी। अब इसमें शेर की बात करते हैं, तो शेर आपका कहाँ का हो जाता है, बेल्जियम या इंग्लैंड का, कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड लिखे कई शहरों में इसका जो है राष्ट्रीय पशु के नाम से जानते हैं। अब इसमें गैंडा की बात करते हैं, तो दोस्त गैंडा आपका लेसोथा में, कहाँ पे है, लेसोथा, 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 लेसोथा। अगर तेंदुआ की बात करते हैं, तो तेंदुआ आप कहाँ होते हैं भैया, अफगानिस्तान में, कहाँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ होते हैं भाई, अफगानिस्तान में। तेंदुआ कहाँ होते हैं, अफगानिस्तान में होते हैं भाई, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर बी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से, तीसरे शब्द का संबंध क्या बताना है, जो दूसरे शब्द का संबंध पहले पद से है। एक चीज हमको बताइए, रोगी जो होते हैं किसमें, चिकित्सक, चिकित्सक मतलब ये रोगी का ट्रीटमेंट कौन करता है, चिकित्सक करता है, रोगी का ट्रीटमेंट कौन करता है भैया, चिकित्सक करता है, कौन करता है, चिकित्सक करता है। तो इसी तरह से विद्यार्थियों का ट्रीटमेंट कौन करता है, शिक्षक ही करता है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने का काम कौन सा करता भैया, शिक्षक। तो शिक्षक के लिए आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर सी। अब इसमें रही बात कक्षा नायक, कक्षा नायक की जो बात करते हैं, कक्षा नायक जिससे कि मॉनिटर वगैरह होते हैं, जो क्लास में जो है जिनका नाम थोड़ा होता है, तो उनको मॉनिटर के रूप में टीचर चुन लेते हैं, तो उनको कक्षा नायक की बात देते हैं। और विद्यालय, विद्यालय आपका जो है जिसमें आपकी अध्ययन अध्ययन होता है, वही आपका विद्यालय होता है। अब इसी तरह से व्याख्यान की बात करते हैं, व्याख्यान की बात जिससे मान लीजिए कोई शब्द है उसको, जिससे कि कोई शब्द है किसी को छोटे में समझाना है, किसी को व्याख्या करके उसको बड़े रूप में समझा देना, का मतलब ऐसे ऐसे करके होता है ये चीजें, ठीक है भाई। चलिए आज जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो पहले पद का, जो दूसरे पद का पहले पद से है। कह रहा है कि धीर, धीर का मतलब शांत, धीर का मतलब एक धैर्य, धैर्य पूर्वक आप क्या करते हैं, शांति बनाते हैं, धैर्य। अब रही बात इसमें क्या, धीर, धैर्य, और धैर्य का मतलब वही शांत, एक शांत स्वभाव, ठीक है भाई। अब उसी तरह से उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब उतावलापन आपके अंदर क्या होना चाहिए, उत्तेजित। अभिमानी, अभिमानी का मतलब एक क्रूर ही होते, एक अभिमान मतलब जो निर्दयी होते हैं। अब इसको नीरस, नीरस का मतलब जो जैसे कि मान लीजिए किसी काम करने करने हिरास मान जाते हैं, हरास मतलब हिरास जाते हैं, तो इसको नीरस बोलते हैं। चुप, जो व्यक्ति हमेशा शांत रहे, कुछ ना बोले, चुप। अब इसमें उत्तेजित वही जो है जो क्रुद्ध, जो युद्ध करता हो, जैसे कि जो आपको उत्तेजना देखते हैं कभी कभी, कोई कोई होते हैं कि थोड़ी सी बात पे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तुरंत मार करने के उतार हो जाते हैं भाई। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर, ठीक है भाई। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से पद से है, जो दूसरे पद का पहले पद से है। अब इसके बाद कहते हैं कि प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्राकृति, जैसे संसार है, ये संसार है, इसमें प्रकृति है, प्राकृतिक वही चीज है। अब इसमें पोषण की बात करते हैं, तो पोषण किससे संबंधित हो जाएगा भैया, पोषित से, पोषित से। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर भी हो जाएगा, स्वाभाविक, स्वाभाविक जो अपने पे अभावित हो, मतलब भाविक हो, चरित्र जिसे जिनका क्या नेचर है, कैसे क्या चरित्र उनका नेचर,
अपना, जैसे कि कैसे क्या स्वभाव है उसका चरित्र, विशिष्ट, विशिष्ट मतलब जो अलग हो, जैसे कि सबसे जो है अलग, तो आपका विशिष्ट उसके अंतर्गत। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। जैसे लेखक किससे संबंध भैया, कलम से। लेखक जो है किससे लिखते हैं भाई, कलम से लिखते हैं। उसी तरह से क्या कह रहा है कि तैराक जो है तैरना, तैराक जो है तैरते हैं, ये तो बात भी सही है। अब इसके बाद कहा जाए कि बावर्ची, बावर्ची कहाँ काम करते हैं भैया, कढ़ाही में। बावर्ची जो होते हैं खाना पीना कहाँ बनाते हैं भैया, कढ़ाही में बनाते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नर्तक की बात करते हैं तो नर्तक जो है कार्यक्रम करते हैं, जो नाचने गाने वाले होते हैं वो आपका नर्तक हो जाते हैं, वो आपका कार्यक्रम करते हैं। और दर्जी जो है होता है क्या, वो पोशाक सिलता है भाई, पोशाक सिलता है। अगर यही पोशाक की बात, यहाँ दर्जी या सिलाई मशीन की बात आती तो दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से हो जाता, तो आपका विकल्प बी सही हो जाता और बी भी सही हो जाता भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके, इसलिए थोड़ा सा समझ करके करेंगे तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है भाई, आर के नारायण, आर के नारायण जो है उपन्यास लिखते हैं, आर के नारायण जो है उपन्यास को लिखते हैं। अब उसी तरह से सेम कहा जाए कि आर के लक्ष्मण जो है, एक क्या ज्यादातर कार्टून वगैरह में इनका दिमाग लगता था, वो आर के लक्ष्मण जो है किससे संबंधित भैया, कार्टून से। कौन से संबंधित है, कार्टून। विज्ञापन की बात आती है भाई तो विज्ञापन कला, जैसे कि कला एक उनका जो है कला से इनका दूसरे संबंध है, तो कॉमिक्स से, कॉमिक्स से भी दूसरा विज्ञापन, जैसे मान लीजिए कोई भी विज्ञापन वगैरह करना है, तो ये किससे संबंधित है, आर के लक्ष्मण जो है आपके कार्टून से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, कार्टून से। ये इनका दिमाग जो है ज्यादा कार्टून वगैरह बनाने में जो है इसी में व्यतीत होता था। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या बात आती है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सेम इसी तरह से अभी ही क्वेश्चन आया था, नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपकी क्या भैया, गाय है। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, बाघ है। क्या भैया, बाघ है। आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अब इसमें आपकी बात करते हैं तो भारत का ये राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, कौन सा, ये राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा भैया, ये मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय पक्षी ना कि पशु, ये पक्षी क्या हो जाएगा भैया, ये मोर है। ये आपका भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगा। अभी तो गैंडा के बारे में बता के आए हैं और शेर के बारे में बता के आए हैं इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि रेब्रोडोर कुत्ता से संबंधित है। रेब्रोडोर एक जो है, एक जो है थोड़ा अजीब टाइप कुत्ता है जो काटने में ज्यादा, जैसे कि एक कुत्ता है रेब्रोडोर किससे संबंधित है, एक प्रकार का कुत्ता ही है ये, आपके अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे, अमेरिका वगैरह। अब इसमें उसी तरह से संगीत, जैज जो है संगीत से संबंधित, किससे भैया, जैज का संबंध किससे है, संगीत से। सेम उसी तरह से व्यक्ति मानव जाति है, व्यक्ति तो मानव जाति है ही, व्यक्ति जो है मानव जाति है, और पत्ती जो है पेड़ में ही होते हैं। चूहा और बिल्ली, चूहा और बिल्ली एक प्रकार की समझ लीजिए कि क्या है, ये आपके भी जानवर ही हैं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर बी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरे प्रकार से
पहले प्रकाश से संबंधित है, किसके दूसरे प्रकाश से पहले प्रकाश से संबंधित है। ठीक है भाई, जल्दी से आइए नोट कर लीजिए। विषाणु से क्या होता है भैया? रोग। विषाणु से कई विषाणु जब मिल करके जो है किसका निर्माण कर देते हैं, रोग बना लेते हैं। तो सेम उसी तरह से व्यायाम किससे संबंधित है भाई? व्यायाम जो है, व्यायाम करने से आपको जो है क्या हो जाता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? स्वस्थ हो जाते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। ये बताइए व्यायाम क्या जॉगिंग करेंगे? व्यायाम करने के लिए जॉगिंग, जॉगिंग का मतलब जैसे कि ट्रैक है, ट्रैक पर दौड़ते हैं, ट्रैक है उस पर दौड़ना, तो आपको जॉगिंग करने के अंतर्गत आ गए? नहीं आएगा। अब इसमें टहलना, जॉगिंग जिस पे आप जैसे कि कंपनी गार्डन वगैरह में देखे होंगे, उसमें जो है एक ट्रैक बना हुआ जॉगिंग के लिए, और एक जो है रोड ऐसे बनी है उसमें टहलने वाले के लिए है, उसी पे जॉगिंग भी करते हैं लोग, टहलते भी हैं। और साइकिलिंग, क्या साइकिल चलाने से आप स्वस्थ हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो आपका विकल्प कौन सा भैया? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं भाई। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखा जाए कि क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हिमालय जो है कहां से निकलती, हिमालय से क्या निकलती है भैया? हिमालय एक पर्वत है, उस पर्वत से क्या निकलती है? कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका संबंध जो तीसरे पद से वही है जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे पद का इससे भैया पहले पद से है। तो अब एक चीज बताइए, हिमालय कहां से निकलती है भैया? हिमालय आपको कहां से निकलती है? हिमालय से कौन नदी निकलती है भाई? हिमालय से आपकी गंगा नदी निकलती है। क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। अब उसी तरह से कहा जाए कि सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है भैया? सतपुड़ा से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां से निकलती है भैया? सतपुड़ा की पहाड़ियां से। सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। अब इसमें रही बात आती है ब्रह्मपुत्र की, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र से कावेरी निकलती है। क्या भैया? ब्रह्मपुत्र से आपकी क्या होती है? कावेरी। ब्रह्मपुत्र से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र पर्वत है, उससे कौन सी नदी निकलती है भैया? कावेरी नदी निकलती है। अब इसमें गोदावरी की बात करते हैं, तो गोदावरी आपकी कहां से निकलती है? गोदावरी आपकी कहां से निकलती है भाई? गोदावरी आपकी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। कहां से? पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से निकलती है भाई। अब इसमें यमुना नदी की बात करते हैं, इससे यमुनोत्री कहां से निकलती है भाई? यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद से। अब इसमें देखते हैं, बात करते हैं, क्या कह रहा है कि हिमालय नदी कहां से निकलती है? हिमालय पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है। उसी तरह से सतपुड़ा पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। अब कावेरी जो है कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी आपकी पश्चिमी घाट से निकलती है। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। आपका विकल्प देखिए कौन सा हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी के लिए, जो है विकल्प नंबर बी, नर्मदा नदी। आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए असम आपका तेजपुर है। असम आपका जो है, असम एक प्रकार का जिला। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब इसमें कहा जाए असम में एक जिला कौन से है? तेजपुर है। अब उसी तरह से केरल में कौन हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा भैया, कोच्चि। आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें होता है मिदना, मिदना की बात करते हैं, तो मिदना कहाँ का है भैया? पश्चिम बंगाल। और मिजोरम कहाँ करते हैं भैया? मिजोरम से जो है
थेन जोल निकलता है। मिजोरम में एक जिला है क्या? एक जिला जो है थेन जोल है। मिजोरम में एक जिला क्या है? थेन जोल है। मिदना कहाँ से भैया? मिदना आपका पश्चिम बंगाल, मिदना आपका पश्चिम बंगाल। और जयपुर आपका कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ भैया? राजस्थान, राजस्थान में। और ये आपका कहाँ है? ये मिदना आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल कहाँ भैया? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दमन दीव कह रहा है कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद जो है किससे संबंधित है? पहले पद से संबंधित है। किससे संबंधित भाई? पहले पद से। दमन और दीव, दमन और दीव जो है, दमन और दीव किससे संबंधित भैया? दमन और दीव जो है किससे? दमन से। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार जो है किससे? पोर्ट ब्लेयर से भैया। किससे संबंधित हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर से। पोर्ट ब्लेयर आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए। कह रहा है कि सैनिक जो है किसे? कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। सैनिक जो है युद्ध टैंक, किसान जो है क्या भैया? किसान किससे करते हैं? सैनिक जो है अपना लड़ाई उड़ाई किससे करते हैं? युद्ध टैंक से। किससे करते हैं भाई? युद्ध टैंक से करते हैं। युद्ध टैंक कोई एक विमान टाइप का होगा जिसमें वो अपना जो है जितना हथियार वगैरह रखना होता है उसी में रख कर ले जाते हैं। तो किससे संबंधित है? सैनिक जो है युद्ध टैंक से संबंधित है। सेम इसी तरह से किसान जो है खेती बाड़ी करते हैं, ये किससे करते हैं? ट्रैक्टर के माध्यम से जो है अपना जुताई बुआई करते हैं। सेम ये समझिए कि किसान का हथियार जो है क्या है? ट्रैक्टर है। किसान का हथियार क्या है भाई? ट्रैक्टर है। अब इसमें पानी की बात करते हैं तो पानी पानी जो है कोई किसी का कोई संबंध ही नहीं बता रहा, और फसल भी कोई संबंध नहीं बता रहा, भूमि भी तीनों काम हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर से जो है जुताई बुआई सब किया जाता है भाई। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए जल्दी से नोट करिए, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। अब इसमें कहा जाए कि गंडा जो है कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच है। जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच है। गैंडा के पास क्या होती? सींग होती। क्या होती भाई? सींग होती है। सेम उसी प्रकार से हाथी दंत, हाथी के पास गजदंत, हाथी के पास देखेंगे दंत होता है, अलग से एक दांत होता है, दो दांत देखेंगे। सेम जैसे सींग की तरह उनको जो है, जैसे कि गैंडा की सींग होती है अलग से एक ऊपर में, अब उसी तरह से हाथी के देखेंगे तो गजदंत जो उसका क्या होता है? दांत होता है। ये किस्सा हाथी का गजदंत। अब इसमें गाय जो है बछड़ा, गाय तो मेल फीमेल की बात आ गई। कुत्ता भौंकना, कुत्ता का काम ही तो भौंकना है। गधा रेगना, गैधरा जो है रेग कर चलता है। अब इसमें बात आती है तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें एक बात आती है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जो दूसरे पद का पहले पद से, दूसरे पद का पहले पद से क्या संबंध है भाई? वही तो आपको बताना है। बिस्तर पर क्या भैया? बिस्तर पर जो है आपको क्या लगाते हैं? तकिया लगा के सोते हैं तो आराम मिलता है। सेम उसी तरह से सोफा में जो है गद्दी लगा के सो जाए तो और आराम मिल जाएगा। तो सोफा आपका किसका काम करता है? गद्दी का। कवर, कवर तो ये तो तकिया भी लगाया सकता है और गद्दे पे जितने भी बिस्तर होते हैं सब में लगाया जा सकता है कवर। चादर, चादर जब बिस्तर लगाते हैं तो उसपे बिछा है, एक जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए चादर उसपे बिछा है। ठीक है, अपहोल्ट्री ये कोई भी उपकरण ही है। ठीक है भाई, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो आपका विकल्प इसके लिए कौन सा हो जाएगा, गद्य हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें कहते हैं कि क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। किससे भाई? दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब इसमें रही बात आती है, श्रीलंका जो है एक प्रकार का द्वीप है, श्रीलंका एक प्रकार का द्वीप है, तो सेम उसी तरह से भारत भी एक प्रकार का क्या है, प्रायद्वीप है। क्या भैया? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई? विकल्प नंबर सी। अब इसमें श्रीलंका ये कहा जाए कि क्या श्रीलंका द्वीप है? द्वीप है, ठीक है। अब इसमें कहा जाए कि भारत एक प्रायद्वीप है, ये बात सही है। अब इसमें आपको विकल्प जो दिया, क्या भारत एक एशिया है? नहीं भाई, एशिया के अंतर्गत उसमें आ जाएगा, देश के अंतर्गत में, एशिया में। अब इसमें महासागर की बात करते हैं, तो भारत में महासागर तो है ही, तो भारत में जो है महासागर। अब इसमें पठार की बात करते हैं, पठार वही पर्वत से संबंधित है, तो भारत में देखेंगे हर जगह ही, वो मध्य प्रदेश में अभी चले जाइए, पूरा देखिए वहां पठार पठार ही, ठीक है भाई। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। इसमें देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, किसका? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के बीच वही संबंध दर्शाता है, जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। अब इसमें बावर्ची रेस्तारा, बावर्ची जो है रेस्तारा में पाए जाते हैं, रेस्तारा कहने का मतलब से होटल वगैरह, बावर्ची आपके कहाँ पा जाएंगे भाई? होटल में, जैसे कि जो खाना बनाने वाले होते हैं आप होटल में जाएंगे, वहां पे बावर्ची रेस्तारा, ये जो होटल को एक चीज कहा जाए कि होटल की उपाधि किससे हम दिए हैं? रेस्तारा से। किससे? रेस्तारा से, रेस्तारा से। अब इसी तरह से बात करते हैं कि चिकित्सक जो है रोगी, क्या रोगी जो है चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक रोगी के पास, तो ये संबंध आपका होगा नहीं भाई। अब इसी तरह से पुस्तकालाध्याक्ष कैटलाग, इसका भी कोई संबंध नहीं कैटलाग से। अब इसमें बढ़ई जो है, बढ़ई जो है लकड़ी के पास जाता है, ना कि लकड़ी बढ़ई के पास आती है, तो इसका भी ये भी संबंध नहीं। अब ये औषध विक्रेता जो है दवा खाना में जाता है, औषध विक्रेता जो है दवा खाना में देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कभी आप देखेंगे मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो एक दवा खाना ही है, उसमें जो है जो उसका विक्रेता जो बेचने वाले उसके अंदर होते हैं, वही संबंध जो है किससे हो जाएगा? दवा खाना से। सेम यही काम जैसे बावर्ची है, जो खाना बनाने वाले होटल के अंदर रहते हैं, जो काम करते हैं, जैसे कि जो खाना वाना बनाते हैं, तो वही संबंध रेस्तारा से है उसका, तो सेम उसी तरह से क्या औषधि विक्रेता का संबंध किससे है? दवा खाना से। किससे है? दवा खाना से। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखिए सामने आ रहा है। दोस्त कह रहा है क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है भाई। अब इसमें बात आती है कि राजमिस्त्री निर्माण करते हैं, राजमिस्त्री जो घर का बांध, जिसको राजगीर बोलते हैं भाई, गांव की भाषा में राजगीर बोलते हैं, वो किसका निर्माण, ये निर्माण का कार्य करते हैं। देखे होंगे आप लोग, कहीं पुलिया बन रही है, या कहीं किसी का मकान बन रहा है, या कहीं रोड बन रहा है, जैसे कि कभी इंटरलॉकिंग वगैरह का, जैसे कि उसमें जो प्लास्टर वगैरह काम करते हैं, तो राजगीर के अंतर्गत आता है। अब सेम मैकेनिक उसी तरह से क्या करता है, मैकेनिक नए चीजों का निर्माण करता है? नहीं भाई, मैकेनिक वही होगा जिससे मान लीजिए कि आपका फैन चल रहा है, अगर बिगड़ गया तो उसके लिए आप मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, तो मैकेनिक उसको ठीक करेगा। अब अगर मान लीजिए एसी लगी है, एसी अगर आपकी बिगड़ गई तो कौन आएगा सही करने के लिए? मैकेनिक आएगा। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिक क्या करता है? रिपेयरिंग का काम करता है भाई। किसका काम करता है? रिपेयर का काम करता है, न कि कारें बनाता है। मैकेनिक कारें, कारें क्या करता है? इसका कोई संबंध है नहीं भाई। उपकरण का काम, कोई संबंध है नहीं इसका। फैक्ट्री, मैकेनिक फैक्ट्री में रहते हैं? नहीं भाई, तो उसका क्या संबंध होता है? मैकेनिक जो है रिपेयरिंग का काम करते हैं,
रिपेयर करते हैं, कोई भी चीज जो है खराब हो जाती है तो उसके लिए रिपेयरिंग का काम कौन करते हैं? मैकेनिक करते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिसका प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जिसका जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। कुत्ता जो है रक्षक का काम करता है। अब एक चीज बताइए, कभी भी अगर आपके जैसे गांव वगैरह में देखेंगे या शहर में ही देख लीजिए, गांव में घर में एक कुत्ता पाल जाता है, वो रक्षा का काम करता है आपका, एक सेफ्टी का काम करता है भाई। देखिए रात के समय अगर आप मान लीजिए सो रहे हैं, कोई आ रहा है आपके घर में दरवाजा खोलने, तो कुत्ता क्या करता है, उसको दौड़ा के जो है भगा देता है। इसलिए रक्षा का काम करता है वो, समझ लीजिए कि एक सेफ्टी गार्ड का काम करता है, एक गार्ड का काम करता है भाई। उसी तरह से घोड़ा जो है किसके काम में आता है, सवारी ढोने के काम आता है। किसके काम आता है? सवारी ढोने के काम आता है। क्या घोड़ा गाड़ी बनाने के काम आता है? नहीं भाई। क्या काठी बनाने में आता है? नहीं आता है। क्या अस्तबल अस्तबल में रहता है? घोड़ा आपका क्या अस्तबल में रहता है? न कि सवारी करने, ना कि क्या अस्तबल में रहता है, ना कि उससे क्या करते हैं, अस्तबल से सवारी बनाने। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा भाई। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे अलमारी में संग्रहण करना, अलमारी जो होती है उसमें आप छोटी छोटी वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए कपड़ा हो गया या कोई भी ऐसे सामान हो गए जो चिथरे बिथरे पड़े हुए हैं, उसको आप एक अलमारी में जो है एकत्रित करके रख देते हैं भाई। किससे रखते हैं? एकत्र करके रख देते हैं। तो अलमारी कैसे किसका काम कर रहा है? संग्रहण करने का, इकट्ठा करने का काम कर रहा है। अब सेम उसी तरह से कुर्सी किसका काम करेगा भाई? क्या कुर्सी में वस्तु रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या लेटेंगे कुर्सी पे? कुर्सी पे आप सोएंगे? नहीं सोएंगे भाई। क्या खड़े होना है? जब कुर्सी है तो उस पर खड़े होने की क्या जरूरत भाई? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुर्सी रहेगी तो बैठने का काम आ जाएगा। जिससे मान लीजिए हम ही खड़े हैं और कुर्सी बगल में है, अगर हम चाहे तो बैठ भी सकते हैं। बात तो वही हुई। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि आयात निर्यात से संबंधित है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। आयात निर्यात से संबंधित है। व्यय किससे संबंधित होगा? व्यय जो है आपका राजस्व से संबंधित। ये समझ लीजिए कि एक तरह से आपका विलोम शब्द की ही बात करता है। व्यय जो है क्रेडिट जमा। अरे भैया अगर आप जमा करते हैं तो जैसे कोई एक पैसा आप अकाउंट में जमा किए तो आप क्रेडिट हो गए। डेबिट होता है जिससे मान लीजिए अकाउंट से कट जाता पैसा, तब डेबिट होता है, ये आपका होगा नहीं। बजट जिस मान लीजिए आपकी खर्चा कितना है, आप कितना मतलब वही सब आपको क्या आता है, बजट के अंतर्गत आता है हमारा। ठीक है भैया। अब इसमें अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आपकी जो है इससे इकोनॉमिकल के अंतर्गत आती है, जो कि आपकी जैसे कि कैसे क्या आपका प्रोडक्ट वगैरह जो भी है ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से संबंधित है। किससे भाई? तीसरे शब्द से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीसरे शब्द से संबंधित है। तीसरे शब्द से संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द किससे संबंधित है? पहले शब्द से। रणथंभौर राजस्थान में काजीरंगा कहां भी है? काजीरंगा कहां पाया जाएगा? काजीरंगा आपको बता देंगे भाई कहां पे है। काजीरंगा आपका कहां पे है भाई? काजीरंगा आपका असम में है। कहां पे भाई? असम। सेम उसी तरह से एक कोई जिला ही है राजस्थान का जो है कि रणथंभौर के नाम से जाना, उसी तरह से काजीरंगा, काजीरंगा जो है कहां पे? असम में ही पाया था। क्या भैया? असम में।
असम में, यहाँ पे एक सींग का गैंडा भी शायद पाया जाता है, एक सींग का गैंडा पाया जाता है काजीरंगा में। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा दोस्त। और नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड से कोई इसका संबंध नहीं, मेघालय से भी नहीं, मणिपुर से भी नहीं। तो ठीक है भाई, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। गांधीनगर अहमदाबाद, गांधीनगर जो है अहमदाबाद में, कहां भैया? अहमदाबाद में। गांधीनगर जो है अहमदाबाद में, अहमदाबाद के करीब में। अब इसमें जितना भी है अहमदाबाद के करीब में, गांधीनगर क्या, गांधीनगर कौन कहाँ पे है? अहमदाबाद के करीब में, दोनों सटल है। अब उसी तरह से कहा जाए कि लखनऊ जो है किसके करीब है, लखनऊ के करीब कौन सा है? लखनऊ के करीब इलाहाबाद है? नहीं भैया, इलाहाबाद नहीं है। गोरखपुर है? नहीं है। वाराणसी है? नहीं है। कौन सा विकल्प आपका? कानपुर है भैया। कौन सा शहर है भैया? कानपुर है। कानपुर आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर कौन सा? सी हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा विकल्प नंबर कानपुर है। लखनऊ के करीब जो है कानपुर है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में जो गठबंधन होता है, देश में गठबंधन, देश जो है गठबंधन से, उसी तरह से श्रमिक जो है, श्रमिक का संबंध किससे हो जाएगा भाई? श्रम से? नहीं भैया। कौशल से? नहीं होगा। वैश्विक से? नहीं। संघ से होगा। श्रमिक जिसे मान लीजिए कि देश में गठबंधन, जिसे मान लीजिए कोई भी पार्टी होती है कि कभी मान लीजिए सरकार बनाना होता है, कि कई पार्टियों ने अपना जो है एक मत जो है एक तरह इकट्ठा कर गठबंधन करके किसी दूसरे की सरकार बना देते हैं। सेम उसी तरह से श्रमिक जो है, श्रमिक का एक यूनियन होता है, एक संघ होता है, कि जो उसका जो है कोई भी काम करना होता है इनका एक यूनिटी होती है, तो किसके अंदर कहलाते हैं? संघ के अंदर कहलाते हैं। श्रम, ये तो श्रमिक श्रम करते ही, मेहनत करते ही भाई। और कौशल, कौशल मतलब उनकी योजना के अंदर कहा जाता है। वैश्विक, वैश्विक मतलब उनका जीवन यापन। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। लेखक कलम से संबंधित, लेखक किससे संबंधित भैया? लेखक लिखते कैसे हैं? कलम से लिखते हैं। तो शल्य चिकित्सा कैसे क्या काम करते हैं भैया? शल्य चिकित्सा काटना का काम करते हैं। नस्तर, नस्तर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो देखेंगे ऑपरेशन थिएटर में जो ब्लेड होगा जिससे ऑपरेट करते हैं, यही एक प्रकार का ब्लेड, ऑपरेशन थिएटर का ब्लेड, ऑपरेशन करने का ब्लेड, ऑपरेशन 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 करने वाला ब्लेड जिसे बोलते हैं चीर फाड़ कर अपने ऑपरेशन करने वाला ब्लेड, ब्लेड जिसे चीर फाड़ की बात होती है, चीर फाड़ करने वाला, चीर फाड़, चीर फाड़ करने वाला, चीर फाड़ करने वाला। ठीक है भाई, चीर फाड़ करने वाला, ऑपरेशन करने स्तर, काटना, काटना तो ये, काटना तो एक जैसे बाल भी काटना हो सकता है, कुछ भी काटना, उसको काटने के अंदर नहीं आएगा। सब चिकित्सा है, बाल का भी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में नस्तर द्वारा जो उसका काम करते हैं। इसे लेखक के पास कलम से लिखते हैं, लेखक किसे लिखते हैं? कलम से। उसी तरह से शल्य चिकित्सा, जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो क्या किससे काटते हैं? तो नस्तर द्वारा जो आपका ऑपरेशन ब्लेड होता है उसे छिड़फा करते हैं ना भाई। चलिए आइए देखिए, टाका लगाना, टाका लगाना जो है किससे लगाते हैं? अपना टाका लगाना जो भी छिड़फा कर बाल ही लगाते हैं, फिर उसके बाद शल्य चिकित्सा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि घर जो है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध, जो संबंध किससे है, जो संबंध जो है
जो संबंध जो है नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है, दिए गए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। घन एक वर्ग, घन आपका थ्री डायमेंशनल फिगर है, थ्री डी आकृति का होता भाई घन आपका थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, और वर्ग की बात करते हैं टू डी के अंतर्गत आता है, टू डायमेंशनल। घन को क्या इस बोर्ड पर बनाया जा सकता है? नहीं, एक इमेजिन किया जा सकता है, तो वर्ग को बना सकते हैं भाई, ठीक है। उसी तरह से आयत, आयत और समचतुर्भुज दोनों भी टू डी के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों विकल्प टू डी के अंतर्गत। अब इसमें शंकु और हाइट, हाइट आपका देखेंगे क्या होता है, वो भी शंकु के आकार की होती है, तो टोपी जो होती है शंकु, ये भी थ्री डी, दोनों थ्री डी के अंतर्गत आते हैं, ये भी नहीं होगा। अब क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल कहीं कहीं देखेंगे आप टू डी के अंतर्गत भी आता है, और कहीं कहीं होता है क्या थ्री डी भी निकालना जाता है, कभी कभी क्षेत्रफल में थ्री डी के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये क्या आपका लिखने, इसमें जो संबंध दिया है आपका क्षेत्रफल बोल दिया, तो आपका क्या हो जाएगा टू डी के अंतर्गत ही लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा भाई? टू डी के अंतर्गत ही लिया जाएगा। तो आपका गोला जो है थ्री डी में आता है, और वृत्त आपका क्या जाता है टू डी आकृति में जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर सी। क्या लिखा गया है? कह रहा उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का क्या करें, चयन करें जिसका पहले पद के साथ वही संबंध है, जिसका तीसरे पद के साथ, इसमें क्या कह रहा है, तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद, जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे पद का पहले पद से है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन में दिया है, ईट कहां बनाई जाती है मेरे भाई? भट्ठे में। जैसे ईट का जो है ढलान कहां की जाती है? भट्ठा, जो चिमनी उमनी होता है उसी में जो है इसका ईट का निर्माण होता है। उसी प्रकार से पूछ रहा है सिक्के कहां पर बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं सिक्के? क्या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं? प्रयोगशाला में जैसे मान लीजिए कोई चीज का नया, जैसे कि आपको उत्पादन करना है, नया चीज बनाना है, जैसे मान लीजिए उस कोई भी चीज हो उसका प्रयोग करने के लिए जैसे प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में। और खाद्यान्न, जैसे खादान मतलब जैसे कि आपका भंडारा कहा जा सकता है, जैसे कि स्टोर रूम कहा जाए, तो ठीक है भाई। अब इसमें बात आती है टकसाल की, तो सिक्के कहाँ ढलाए जाते हैं? सिक्के जो है टकसाल में ढलाए जाते हैं, टकसाल आपका विकल्प यही, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। और कारखाना की बात करते हैं, तो कारखाने में सिक्के बनाए नहीं जाते, कारखाने में सिक्के नहीं बनाए जा सकते, ठीक है भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है, तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे पद का पहले पद से है वही संबंध बताना, वही संबंध बताना। सभी लोग बताइए, एक तरफ से कमेंट करके बताइए भाई, इसमें बताइए क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब यही होगा मेरे भाई, कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी से संबंध है। सूक्ष्मदर्शी जो है छोटी छोटी, ये समझ लीजिए कि आपके नजदीकी जो नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, उसका प्रयोग जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, उस चीज को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरह से दूरदर्शी की बात करते हैं, तो दूरदर्शी में जैसे मान लीजिए दूर की, बहुत दूर की वस्तुएं हैं जिसको आप आसानी से नहीं देख सकते हैं, इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसका प्रयोग क्या करते हैं? दूरदर्शी, इसका मतलब दूर। सूक्ष्मदर्शी ये नजदीक, मतलब छोटी वस्तुओं में, ये नजदीक के लिए करते हैं, नजदीक या छोटी वस्तुओं के लिए करते हैं, या छोटी वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी की बात आती है मेरे दोस्त, दूर की वस्तु को देखने के लिए। अब इसमें अर्ध ग्लास, सेम वही है, आवर्धक ग्लास जो बात आती है यही सेम, इसी का संबंध क्या, छोटी वस्तु या नजदीक वाली बात आती है। आवर्धक ग्लास का मतलब जो नजदीक से क्या है, नजदीक की वस्तु। उसी तरह से बाइनाकुलर्स है, इसका जो विकल्प होगा बाइनाकुलर्स हो जाएगा मेरे भाई। बाइनाकुलर्स का मतलब होगा कि ये जो दूर की वस्तु देखी जाए तो उसी बाइनाकुलर्स के माध्यम से देखते हैं, ठीक है भाई।
अब इसमें आपका जो है कैमरा है, कैमरा एक कैलाइडोस्कोपी मतलब छोटी छोटी चीजें ये भी देखने के लिए काम आता है। और कैमरा कैमरा का प्रयोग इससे मान लीजिए कि कोई भी इमेज है उसको आप जैसे सेम उसी तरह से बनाया जा सकता है। और प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर मान लीजिए जैसे कि अब इसी में है कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कि जैसे कि सिनेमा हॉल में देखते हैं कि छोटी चीजें होती जो प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी इमेज किसी जो पार्टिकुलर जो है पर्दे पर जो है उसका इमेज बड़ा दिखाता है, प्रोजेक्ट करता है। ठीक है भाई, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है, जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट क्या केबिन से संबंधित है, तो रेलगाड़ी के एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज वगैरह है उसमें बैठने के लिए क्या केबिन नुमा बना होता है, उसमें यात्री किसमें बैठते हैं, केबिन में। सेम उसी तरह से बात करते हैं रेलगाड़ी के लिए, तो रेलगाड़ी में क्या होता है मेरे भाई, रेलगाड़ी में जो है प्लेटफार्म होता है, प्लेटफार्म तो जहां पे स्टेशन जहां पे स्टॉपेज लेती है ट्रेन आपकी जो है वही तो आपका प्लेटफार्म होता है, ये आपका हो नहीं सकता है। ट्रैक जिस पर रेलगाड़ी चलती है, जिस पर रेलगाड़ी चलती है वो आपका ट्रैक होता है। ठीक है भाई, अब इंजन की बात करते हैं तो रेलगाड़ी में इंजन होता है, तो इंजन होता ही बात। अब इसमें बात करते हैं तो यात्री किसमें बैठते हैं मेरे भाई, कोच में, कोच का मतलब वही डब्बा जिसमें कहते हैं बोगी, आप लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बोगी कहते हैं, ट्रेन की बोगी। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रहा सभी लोगों को, ठीक है जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि जो दूसरा पद इसमें विकल्प में जो है ब्लैंक यहाँ कर देगा दूसरे पद के, और आपसे तीसरा चौथा दिया रहेगा, पूछ लेगा पहले का संबंध दूसरे से किस प्रकार से है। ठीक है भाई, अब इसमें बात आती है कि दिन से मिलकर के किसका निर्माण होता है, कई दिन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं मेरे भाई, एक सप्ताह का, जैसे 7 दिन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक सप्ताह का निर्माण करते हैं। सेम उसी तरह से बात करते हैं कई माह मिलकर के एक वर्ष का निर्माण करते हैं, वर्ष का निर्माण करते हैं, तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कुछ लोगों के मन में आता है कैलेंडर का निर्माण करते हैं, कैलेंडर तो पूरा 12 वर्षों का होता है, कैलेंडर चाहे 1000 वर्ष की बात करे, चाहे 100 वर्ष की बात करे, चाहे जितने वर्ष की बात करे, तो कैलेंडर होता ही कैलेंडर के अंतर्गत। अब वार्षिक की बात करते हैं, वार्षिक का मतलब जैसे कि आय वो बताना होता है, जैसे किसी की इनकम बतानी होती है तब वार्षिक आधार पर किया जाता है। और सप्ताह क्या दिन सप्ताह से है, तो माह भी सप्ताह से संबंधित होगा, नहीं मेरे भाई, तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से, जो दूसरे पद का पहले पद से है। यही जो दूसरा पद है इसका पहले से कैसे संबंधित है, तो सेम उसी तरह से जो चौथा पद होगा इस तीसरे पद से कैसे संबंधित होगा, यही तो बताना है आपको। नौसेना जो है कैसे यात्रा करती है, जैसे सिप, ये हवाई की जहाज, ये पानी की जहाज, सिप क्या बोलते हैं इसको मेरे दोस्त, पानी में चलने वाली जहाज, पानी की जहाज, पानी की जहाज, पानी की जहाज, पानी की जहाज जो पानी में आता है, पानी की जहाज या फिर सिप का। ठीक है भाई, अब थल सेना की जब बात करते हैं तो थल सेना जो है किससे यात्रा करते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या, बंदूक से यात्रा करेंगे, नहीं, क्या सिपाही से यात्रा करेंगे, नहीं, क्या युद्ध करना शुरू कर देंगे, युद्ध से यात्रा करेंगे, नहीं, कैसे वो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा टैंक के माध्यम से, वो अपना जो है थल सेना जो है वो अपना जो है वार करने जाते हैं दोस्त। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें देखिए,
कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें। क्या बोल रहा है मेरे भाई? उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिखाए गए शब्द युग्म के साथ समान संबंध रखता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इतना बताइए, शब्द जो है पुस्तक में होते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहा है, गीत संगीत पत्ता पेड़ मिठाई चीनी सोना बिस्तर। सभी लोग बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त। अब इसमें बात करते हैं, शब्द जो है एक पुस्तक में जो है कई शब्द होते हैं। शब्दों के निर्माण से जो है पुस्तक में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। पुस्तक में कई शब्द मिले होते हैं। पुस्तक जो आपकी बनी होती है उसमें कई शब्द होते हैं। सेम उसी तरह से बात करते हैं मेरे भाई, क्या संगीत में गीत, गीत संगीत, इसका क्या आशय हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है इससे? कुछ स्पष्ट तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब चीनी मिठाई, ये बताइए, अगर वो मिठाई है, मीठा मीठा कहने से इसका मतलब चीना, चीनी, उसका मतलब उसमें चीनी है ही, तो इसका मतलब क्या है? चीनी मिठाई से संबंधित है? नहीं। सोना बिस्तर से, क्या बिस्तर पे ही सोया जा सकता है? बिस्तर से ही सोना, इसका क्या संबंध है भाई? इसका मतलब अब आपको स्पष्ट लग गया होगा कि जब पेड़ देखेंगे पेड़ में क्या होते हैं? फिर सारे पत्ते होते हैं। उसी प्रकार से एक पुस्तक है, पुस्तक में कई ढेर सारे शब्द होते हैं, तो सेम वही संबंध आपका पेड़ सा किससे हो जाएगा मेरे भाई? पत्ते से हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन ही। ठीक है, जल्दी से आइए नोट करिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है, वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए शब्द समूहों के बीच, जो नीचे दिए गए शब्द समूहों के बीच है। अब इसमें बात करते हैं तो रोगी जो है सर्जन सर्जरी, रोगी का ट्रीटमेंट सर्जन करता है। कैसे करता है? सर्जरी करके किस करता है। रोगी का संबंध सर्जन से है, सर्जन क्या करता है? सर्जरी करता है। सेम उसी तरह से देखिए कौन कौन सा विकल्प हो रहा है। एक ऐसा विकल्प है जो तीनों से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होता भाई। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं तो आपका आ जाएगा, क्या सब्जियां जो है रसोई में पकाया जाता है? सब्जियों को रसोई में पकाते हैं, ये बात भी सही भाई, ये बात सही है, सब्जियों को रसोई में पकाया जाता है। अब बात करते हैं, कपड़ा जो है दर्जी सिलता है, कपड़ा दर्जी सिलता है, ये भी बात सही है। मिट्टी का कुंभार, मिट्टी जो है कुंभार, मिट्टी को ला करके कौन? कुंभार, कुंभार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, ये भी बात सही है। चाक अध्यापक विद्यार्थी, ये बताइए चाक जो हो तो लिखने का काम करता है, और विद्यार्थी और अध्यापक दोनों तो संबंधित हो जाएंगे, लेकिन चाक से इसका क्या लेना देना है? चाक से इसका क्या लेना देना है? अगर ये बात होती चाक डस्टर व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड होता तब तो इसका संबंध हो जाता। इसका मतलब एक ही विकल्प, तीनों विकल्प चारों विकल्प में से एक ही विकल्प आपका भिन्न दिख रहा है, जो सबसे अलग है भाई, सबसे अलग है। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने। अब इसमें बात करते हैं कि बॉक्सिंग राउंड बैडमिंटन, आगे दिया क्या उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से, जो दूसरे शब्द से है। अब इसमें बात करते हैं तो बॉक्सिंग राउंड, आप देखेंगे बॉक्सिंग का मतलब मुक्केबाजी, जो देखते हैं कभी कभी कराटा, उसी तरह से मुक्केबाजी से संबंध है। वो राउंडिंग की बात करते हैं, जिससे राउंडिंग में चलता है ना मुक्केबाजी, राउंडिंग में चलता है। तो सेम उसी तरह से बैडमिंटन क्या है भाई? बैडमिंटन एक प्रकार का गेम है, एक प्रकार का गेम ही है। क्या इसमें पॉइंट है? नहीं, पॉइंट भी नहीं। टूर्नामेंट है? नहीं, टूर्नामेंट तो मैच वगैरह में खेलते हैं, मैच है? नहीं है। तो गेम है? गेम है भाई, गेम है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे पद का पहले पद से है। अब इसमें बात करते हैं कानून। कानून कोई बनाता है और आदेश कोई पारित करता है। जैसे कानून आपका जो भी है वो पूरे अगर भारत का, जैसे कि इंडिया का जो कानून है वो पूरे अपने, जैसे भारत का जो कानून है वो सबके लिए लागू होता है। अगर आदेश कानून जो है आदेश का पालन करता है, आदेश जैसे कोई आदेश दिया जाता है उस कानून को फॉलो करना है तो उसका फॉलो होता है। सेम उसी तरह से अपराध जो है, अपराध किससे संबंधित हो जाएगा, जो व्यक्ति अपराधी होगा उसको क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, सजा ही मिलेगी। क्या युद्ध करेगा अपराधी व्यक्ति, युद्ध तो नहीं करेगा भाई, शांति रहेगा, शांत रहेगा, नहीं रहेगा। अपराधी, अपराधी उससे क्या मतलब, अपराध से अपराधी इसका क्या संबंध है भाई। तो एक ही संबंध बच रहा कौन सा, सजा वाला। सजा आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर बी। जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जैसे कहा जाए कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे पद का पहले पद से है। घड़ी क्या बनाती है मेरे भाई, घड़ी आपका समय बताती है। समय का देखने के लिए क्या करते हैं, समय को देखने के लिए क्या यूज करते हैं आप, घड़ी। जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी में घड़ी है, उसको क्या करते हैं, किस काम में लाते हैं, समय को देखने के लिए। सेम उसी तरह से थर्मामीटर जो है वो किस काम में आता है मेरे भाई, थर्मामीटर क्या बुखार में आता है, बुखार तो ये तो बुखार का टेम्परेचर तापमान मापने में। क्या बीमारी में आता है, बीमारी में भी नहीं। क्या मौसम में आता है, नहीं, तापमान में आता भैया, टेम्परेचर में। थर्मामीटर का जो है संबंध किससे हो जाएगा, टेम्परेचर तापमान से। आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए देखिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, जो दूसरे पद का पहले पद से है। बात आती है जीव। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने इमली दे दिया जाए, इमली छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपको जैसे देखते ही तुरंत लार चूमने लगती है। तो ये बताइए जीभ से क्या पता चल गया, आपका स्वाद पता चल गया कि किस किस्म की है, मतलब कैसा उसका स्वाद है। तो जीभ से क्या पता चलता है भाई, स्वाद का पता चलता है। उसी तरह से फेफड़े से क्या करते हैं मेरे भाई, फेफड़े से आप श्वसन करते हैं, श्वसन। श्वसन आपका विकल्प कौन सा, ए हो जाएगा। क्या परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब आवागमन, ये बात भी नहीं। और संवेदन मतलब सूंघने की, सूंघेंगे संवेदन। अब स्वेदन, स्वेदन मतलब सूंघने से, संवेदन मतलब उसी इच्छा अनुसार जैसे हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, इसका चयन करना, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच, जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच। अब इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं मेरे भाई, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश है उससे जो है पौधे जो है अपनी अपने जो है हरा होने का कारण यही प्रकाश संश्लेषण के कारण होते हैं। जैसे पौधे जो है, पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है उसका क्या करते हैं, पौधे जो है हरे भरे होते हैं भाई, क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण है किससे, सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सेम उसी तरह से लेखक जो है क्या करता है, कलम से लिखने का काम करता है। लेखक क्या काम करता है भैया, कलम से लिखने का। क्या पुस्तक बराबर पत्रिका, नहीं मेरे भाई। प्रिंटर डेस्क जेट, नहीं। पंखा प्रकाश, क्या पंखा से आपको प्रकाश मिलेगा, नहीं भाई, लाइट से, विद्युत से प्रकाश मिलेगा। ठीक है,
विद्युत से आपका प्रकाश मिल सकता है, लेकिन बल्ब से प्रकाश मिल सकता है, लेकिन पंखा से जो है प्रकाश नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अब इसमें बात करते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद से है। पायदान, पायदान की बात करते हैं, पायदान सीढ़ियां, सीढ़ियों में क्या लगे होते हैं मेरे भाई, पायदान, जो डंडी लगी होती है उसी को पायदान, जिस पैर रखकर चढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए सीढ़ी आपकी है, ऐसा सीढ़ी बनी होती है जो ये होता है, इसी तरह से बना होता है, यही आपका पायदान है। सेम इसी तरह से बात करते हैं तो किताब, किताब को कहाँ पे रखी जाती है मेरे भाई, जिससे किताब जो है किसमें रखी जाती है। अब इसमें जैसे पायदान इस पे पैर रखकर चढ़ा जाता है, सेम उसी तरह से पुस्तकालय, किताब का संबंध किससे हो जाएगा भाई, पुस्तकालय से। पुस्तकालय में जो है एक सीरियल वाइज किताब रखी जाती है भाई, तो आपका विकल्प कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। क्या आप किताब का संबंध कहानियों से हो जाएगा, नहीं होगा। क्या उपन्यास से होगा, नहीं होगा। क्या किताब लेखक से संबंधित होगा, नहीं होगा भाई। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे मधुमक्खियों से क्या बनता है मेरे भाई, मधुमक्खियां जो है क्या बनाती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। उसी तरह से फूल से क्या निकलती है मेरे भाई, फूल से आप स्पष्ट हो गया, जैसे मान लीजिए गुलाब की फूल हो जाए तो उसमें क्या मिलती है, सुगंध मिलती है, खुशबू मिलती है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अब इस पर पंखुड़ियों की बात करते हैं, तो फूल में जब फूल का निर्माण होता है उसके सामने देखेंगे जो साइड में किनारे होता है एकदम, उसमें पंखुड़ियां तो लगी होती हैं। और क्या फल बनता है, फूल से कई कई फल भी बनता है। जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे आपका आम का ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, कुछ भी पहले वो फूल में कन्वर्ट होता है, फिर सीधे तब उसके बाद फल में कन्वर्ट होता है भाई। क्या पौधा है, पौधा से फूल का निर्माण होता है। तो आपकी बात किससे कर रहा है, जैसे मधुमक्खी क्या बनाती है, शहद बनाती है, उसी तरह फूल जो है किसका निर्माण करते हैं भाई, खुशबू का निर्माण। फूल से क्या निकलती है, खुशबू। मधुमक्खियों से क्या निकलती है, शहद निकलती है। तो फूल से क्या निकलती है भाई, खुशबू निकलती है। तो आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। चलिए आइए देखिए, अब इसमें बात करते हैं, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है भाई, अब इसमें बात करते हैं सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब सुंदर। यदि कोई सुंदर महिला जा रही होगी तो उसको क्या करेंगे आप लोग, देखेंगे ना, देखने का काम, सौंदर्य जो सुंदर दिखता है उसको लोग देखते हैं। तो सेम इसी तरह से संगीत जो है, जो संगीत जो कार्यक्रम जो गाना होना होता है तो क्या करते हैं, सभी लोग सुनते हैं। तो सुनने का काम क्या हो जाएगा, संगीत का सुना। क्या संगीत को आप टच करेंगे, नहीं। क्या संवेदना मतलब उसको जो एक संवेदना मतलब उसी के आधार पर चलेंगे, नहीं। महसूस करेंगे, नहीं। महसूस करने वाली चीज होती है, नहीं। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्त। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। विकल्प आपका ए वाला सही है ना, कौन सा, संगीत का सी। आपका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी दोस्त। अब इससे बात करते हैं जीराफ की जो है क्या है, जीराफ जो है ऊंचाइयों से संबंधित है। तो बाघ किससे, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अब इसमें बात करते हैं जीराफ में जो है, जीराफ देखेंगे बहुत लंबे से होते हैं, उनका सर बहुत ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा। तो सेम उसी तरह से बात करते हैं बाघ जो है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय इंटरनेशनल पशु ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। और बात करते हैं इसके ऊपर जो धारियां होती है मतलब धारीदार बने होते हैं, बाघ के ऊपर क्या होती है, धारियां होती हैं। तो आपका विकल्प कौन सा,
सी नंबर, क्या पंजे होते हैं? पंजे तो शेर के पास होते हैं भाई, शेर के पास, तो शेर का नाम लिया। नहीं, गलमुच्छे होते हैं, उसके गाल पर मूंछ होती है। नहीं, अब इसमें शिकारी होते हैं, तो शिकारी की बात करते हैं, तो शिकारी जैसे कि वो तो आदमी भी हो सकते हैं, शेर भी हो सकते हैं, सब कुछ शिकारी में आ जाएंगे। तो इसलिए आपका विकल्प कौन सा, धारियां वाला, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा। इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसके ऊपर की, जैसे कि इसकी हाइट जो है, इसका सर जो है ऊंचा होता है, इसके सर पे जो है धारियां पाई जाती है भाई। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें बात आती है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे बटुआ है, बटुए की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग गांव में देखेंगे गुल्लक का, गुल्लक होता है जिसमें पैसे रखे जाते हैं। तो पहले के लोग, जैसे कि दादा दादा के जमाने के लोग जब रहते थे, उस टाइम जो है वो बटुए का प्रयोग करते थे, उसमें जैसे कि जो देवर वगैरह रखे जाते हैं या पैसे वैसे रखे जाते हैं, तो बटुए का प्रयोग करते थे। अब उसी तरह से पेनड्राइव जो है, पेनड्राइव में बात करते हैं मेरे दोस्त, पेनड्राइव में स्टोरेज होता है, पेनड्राइव में नहीं स्टोरेज, स्टोरेज की बात करते हैं भाई, कि आप जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन में स्टोरेज होता है, डाटा वाटा सेव रखने के लिए मोबाइल फोन में, और क्या लैपटॉप वगैरह जितने भी डिवाइस होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इन सब में जो है स्टोरेज होता है। अब बात करते हैं जेब, क्या जेब होता है? नहीं होता भाई, जेब होता है क्या? पेनड्राइव का मतलब जेब होता है। अब स्टोरेज भी नहीं है इसमें। अब इसकी बात करते हैं कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर है पेनड्राइव में? पेनड्राइव से कंप्यूटर से क्या लेना देना? पेनड्राइव में जो है डाटा सेव करके रखे जाते हैं भाई, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। पेनड्राइव में क्या करते हैं? डाटा सेव करके रखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इससे बात करते हैं, कह रहा है कि प्रयोगशाला मैनुअल से संबंधित, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है? प्रयोगशाला मैनुअल मतलब प्रयोगशाला में देखेंगे कभी कभी एक ऐसे लोग होते हैं, मतलब जैसे कि एक लीड, उसके जो है एक असिस्टेंट होते हैं, जो कि जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं, जैसे कि इसका उपयोग कहाँ करना, कैसे क्या क्या करना है, उसको एक सिस्टम से उठा कर रख देते हैं, कि ताकि जैसे कि कोई प्रयोगशाला असिस्टेंट आए तो उसको क्या करते हैं, जैसे कि उसका जो प्रयोग करने वाला आए कि उसको जो है तुरंत मांगे तो तुरंत उठा करके फला डिवाइस कहाँ पे है, तुरंत उठा के ले आके उसको क्या कर दे, दे दे। तो सेम उसी तरह से पुस्तकालय में एक कैटलॉग होते हैं, जैसे पुस्तकालय, उसको पता होगी कि कौन सी किताब जो है हमारी कहाँ रखी गई है, उसको भी असिस्टेंट का ही पद दिया जाएगा, तो इसको कैटलॉग बोलेंगे भाई। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। बुक सेल्फ, बुक सेल्फ का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप स्वयं से रखी हो तो उसका कोई लेना देना नहीं प्रयोगशाला से। ठीक है, प्रयोगशाला से उसका कोई लेना देना नहीं। अब इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय में क्या पुस्तकालय अध्यक्ष से क्या मतलब भाई? पुस्तकालय अध्यक्ष, उसको क्या मालूम कि कौन सी बुक कहाँ रखी गई है? अब किताबें हैं, क्या पुस्तकालय में किताबें तो रखी जाएंगी, लेकिन कौन रखेगा ये तो नहीं पता है, तो उसको जो रखता है उसको क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। त्वचा, बाल से संबंधित। त्वचा की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सर पे यहाँ देखिए ये सब त्वचा ही है, तो है त्वचा ही तो है, ये बताइए इस पर तो बाल उगे हुए, बाल उगे हैं, तो भूमि पर क्या उगे होंगे मेरे भाई? भूमि पर तो घास ही तो उगी होगी, क्या अयस्क होंगे? अयस्क, अयस्क ये तो जैसे खनन वगैरह करने पे ये तो मिलते हैं भाई, और धूल होगी, धूल तो होगी ही, लेकिन क्या जरूरी है धूल हो हर जगह पे?
लेकिन घास क्या हो गया कि इसमें जैसे त्वचा का संबंध किससे, बाल से है, उसी तरह से धूल का किससे, भूमि का संबंध किससे हो जाएगा, घास से हो जाएगा। तो भूमि पर जो है घास उगी होंगी, सेम बाल की तरह, जैसे मान लीजिए आपके सर में जो बाल है ये सब उगे हुए हैं, सेम इसी तरह से भूमि पर जो है क्या उगे होंगे, भूमि पर है आपका क्या, घास उगी होंगी दोस्त। तो आपका विकल्प कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे बात करते हैं कि करा उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। रही बात आपको कहते हैं कि सुई से क्या लगाया जाता भाई, टांका। जैसे मान लीजिए आपका शर्ट वगैरह फट जाए, या ऑपरेशन थिएटर में देखेंगे सुई के माध्यम से ही टांका लगाया जाता है। क्या लगाए जाते हैं, सुई के माध्यम से ही टांका लगाया जाता है। ठीक है, अब भाई यहां पे बात करते हैं, आप यहां पर बात करते हैं सुई से क्या लगाया जाते हैं भैया, टाका लगाया जाता है। तो चाकू से क्या करने का काम, चाकू का काम क्या होता है, कटिंग करने का काम होता है। जैसे मान लीजिए सब्जी वगैरह काटना हो तो उसको क्या बोलते हैं, काटना। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, क्या ब्लेड होगा, चाकू का संबंध ब्लेड। अरे चाकू जो काम करेगा वही काम ब्लेड, कुछ काम जैसे कि चाकू कर सकता है कुछ काम ब्लेड नहीं कर पाएगा। से काटने का काम ब्लेड भाई, ब्लेड भी ब्लेड से भी काट सकते हैं, जैसे नाखून वगैरह है तो चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन ब्लेड से ही काट सकते। ठीक है भाई, अब इसमें बात करते हैं क्या चाकू से मक्खन से कोई संबंध है, मक्खन से कोई संबंध है चाकू का, वो तो सिर्फ चाकू काटेगा कट करेगा, तो इसका मतलब विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, किसका, उस विकल्प का चयन करें जिसका शब्द, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। ठीक है, अब रही बात आपकी आती है पेट्रोल जो है, गाड़ी जो है कैसे चलती है, आपकी गाड़ी कैसे चलती है, पेट्रोल से ही चलती है ना भाई, कैसे चलती है, पेट्रोल से। तो बात करते हैं गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से। पेट्रोल से तो सेम क्या काम होता है, अंधेरा क्या हो जाएगा भाई, गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से। तो बिजली से क्या हो जाएगा, बिजली से क्या होगा, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त, बिजली से क्या हो जाएगा आपका, बिजली से जो है बल्ब जलेगा, क्या जलेगा, बल्ब। जिससे मान लीजिए कि पेट्रोल जो है, गाड़ी जो है किससे चलती है, पेट्रोल से, उसी तरह से बल्ब किससे जलेगा, बल्ब जो है वो किससे जलेगा भाई, बिजली से ही जलेगा। क्या अंधेरा बिजली से, अरे यार लाइट रहे, लाइट रहे लेकिन अगर मान लीजिए उसमें जैसे कि आपके जैसे बल्ब लगा ही ना हो तो उजाला कैसे, तो अंधेरा तो है ही रहेगा। तो क्या माल इससे कोई लेना देना नहीं, अंधेरा नहीं, कच नहीं, तो आपका क्या संबंध हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। तो 57 का कौन सा सही हो जाएगा, बल्ब, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है क्या उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब इसमें बात करते हैं हरा क्या होता है भाई, ये रंग होता है, और सेब क्या होता है, सेब क्या है भाई, सेब एक प्रकार का फल है। हरा क्या है आपका, रंग है, लेकिन सेब क्या है, फल है। सेब मिठाई है, नहीं है। सेब गोल है, गोल कैसे कह सकते हैं कि गोल ही है, गोल का मतलब जैसे कि उसमें आप देखेंगे गोला एकदम पूरा स्फेरिकल, और लाल है तो लाल, ये कैसे बता सकते हैं कि लाल है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं घर उस विकल्प का चयन करें जिससे जो है चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जिसे कार्य प्रयास से, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, जैसे कि प्रयास करने से कोई कार्य होता है, सेम उसी तरह से सोना, जैसे सोने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोने से क्या मिलेगा आपको, आराम मिलेगा, क्या मिलेगा, आराम मिल जाएगा। तो सोना का संबंध किससे हो जाएगा, आराम से। उठना सोना, उठना सोना जगना, ये तो विलोम शब्द हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं मुक्ति, क्या आप मर गए हैं कि जो मुक्ति मिल जाएगी आपको, नहीं भाई, तो सोए हैं ना, वो तो कुछ देर में तो उठेंगे, तो समीप इसका कोई संबंध है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा विकल्प, आपका आराम हो जाएगा भाई। ठीक है चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात आती है, कह रहा है कि समरूप जोड़ी का पता लगाएं। समरूप जोड़ी कहने का तात्पर्य क्या है भाई, समरूप जोड़ी कहने का तात्पर्य क्या है, समरूप जोड़ी कहने का तात्पर्य क्या है, समरूप जोड़ी कहने का क्या तात्पर्य है, समरूप जोड़ी कहने का क्या तात्पर्य है भाई। इसमें कहा जाए कोई चीज समरूप जोड़ी में है, या समरूप जोड़ी कहने का क्या तात्पर्य है, समरूप जोड़ी कहने का क्या तात्पर्य, एक जैसे जैसे गेंद को क्या करते हैं आप, फेंकते हैं, क्या कुत्ता थपथपाना कुत्ते का संबंध था, ऐसा कौन सा संबंध है भाई, तो आपको क्या हो जाएगा, हॉकी गेंद, इसका भी कोई संबंध नहीं दिख रहा, इसका भी नहीं, गेंद बल्ले इसका कोई संबंध, फुटबॉल को किक कर सकते हैं, मतलब किक मतलब जैसे कि पैर से जो है फुटबॉल को आप उसको जो है किक करते हैं भाई, किक करने का मतलब जैसे पैर से इसको फुटबॉल को मतलब आगे ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो पैर से क्या करते हैं फुटबॉल को ड्राइव करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब रही बात आपसे कहा जाए कवि जो है क्या लिखता है मेरे भाई, कविता, कवि जो है क्या लिखता है, कविता लिखता है। सेम उसी तरह से बात करते हैं कि मोची की बात करते हैं तो मोची क्या करता है, जूते को बनाता है, जूते को बनाता है भाई, जूते को क्या मांस, मांस बनाता है नहीं, क्या मोजे बनाता है नहीं, क्या कपड़े बनाता है, तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से, मोनार्क। अब इसमें देखिए दूसरा शब्द पूछ लिया ना भाई, दूसरा शब्द पूछ लिया, जैसे एनाकोंडा कोबरा से, एनाकोंडा एक जहरीला सांप, एक जहरीला सांप, ये भी ब्लैक कोबरा की तरह, जैसे मान लीजिए कि अपने भारत में ब्लैक कोबरा 4-5 प्रजातियां ऐसे जो बहुत जहरीले हैं, कि आपको ब्लैक एनाकोंडा, एनाकोंडा जो है एक प्रकार सांप है, वो कौन सा है, ब्लैक कोबरा। उसी तरह से मोनार्क का मतलब क्या होता है, राजा शाही, जैसे राजा हो गया, रानी हो गया, प्रजातंत्र, जैसे ये सब होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वीन से हो जाएगा भाई, क्वीन। बटरफ्लाई मतलब क्या, बटरफ्लाई का मतलब तितली, क्या रॉयल, रॉयल भी नहीं, बेनम, बेनम भी नहीं, तो आपका विकल्प कौन सा, क्वीन, रानी से हो जाएगा, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि उस सब विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे छाया जो है प्रकाश, प्रकाश से जो है क्या मिलती है, प्रकाश जब होती है तो उसको क्या करते हैं, छाया। जैसे प्रकाश कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए प्रकाश, प्रकाश के पास तो उसे छाया बनती है प्रकाश से, तो सेम उसी तरह से जल से क्या होता है, परावर्तन होता है, जल से क्या होता है मेरे भाई, परावर्तन होता है।
कपड़ा होता है, गंदगी होती है, वायु होती है? नहीं, इसका कोई संबंध है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित। जैसे बात करते हैं मेरे भाई, रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है। रसायन विज्ञान में परमाणु से, परमाणु अणु से मिलकर के परमाणु। अब इसकी बात करते हैं, अब इसमें बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या अणु, जीव विज्ञान में अणु से इसका कोई रिलेशन नहीं। न्यूरॉन, ये भी कोई। अब बायोमेट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कि आपको बायोमेट्रिक्स किया जाए, से कहीं अंगूठा अंगूठा लगाना होता तो ये तो आपकी जो है बायोमेट्रिक, ये आपकी दूसरी प्रोसेस हो जाएगी। अब इसमें जीव विज्ञान में किसका कोशिकाएं होती, कोशिका, सेल्स की बात, सेल्स कोशिका। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, किसका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सेम उसी तरह से मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच क्या कह रहा है। रंगमंच मनोरंजन का होता है, कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले से है। ठीक है, जो दूसरे शब्द का पहले से है। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए भाई। अब इसे बात करते हैं रंगमंच, रंगमंच से क्या होता है, मनोरंजन। उसी तरह से मंदिर में क्या होती है, मंदिर में तो देवी देवता रहते हैं लेकिन पूजा होती है भाई, मंदिर में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। रंगमंच मनोरंजन, मंदिर, मंदिर में तो लोग रहते हैं, मंदिर में क्या लोग रहते, लोग क्या, इससे लोग से क्या संबंध है, लोग रहे या ना रहे इससे क्या संबंध है। अब इसमें बात करती देव, देवी, देव इससे, ठीक है। अब इसमें रहना है, रहना से क्या है, मंदिर में क्या होती है, पूजा की जाती है, मंदिर में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जिसे बात करते हैं रंगमंच पर क्या होता है, मनोरंजन होता है, उसी तरह से मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, ठीक है भाई, डी हो जाएगा। अब इसी तरह से बात आती है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने, पहले युग्म के शब्दों की शांति भांति आपस में संबंधित होती। गंवार शब्द जिसे गंवार कहते नहीं गांव में कि ब्योड़ा है, गंवारे का मतलब सभ्य, जो एक बिगड़ा हुआ है वो सभ्य बन गया है, इसका मतलब दोनों का ही विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। सेम इस तरह से निर्दयी, निर्दयी का मतलब वीर, निर्दयी का मतलब जिसे जो स्वाभिमानी, मतलब वो स्वाभिमानी है समझ लीजिए। फिर वीर से इससे क्या संबंध है, जंगली जानवर, जंगली जानवर इसका क्या लेना देना भाई। अब इसमें बात आती है जंगली जानवर इसका क्या लेना देना है। अब अंधेरा रोशनी निरक्षर किताब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका एक ही विकल्प बच रहा, कौन सा, सी नंबर। अंधेरा जो है, जब अंधेरा आएगा, जब रोशनी आएगी तो अंधेरा दूर हो जाएगा, उसी तरह से जब सभ्य लोग सभ्य हो जाएंगे तो जो गंवारपना है वो दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसी तरह से बात करते हैं कि पर्वत में क्या होती है ऊंचाइयां, दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की बात आपस में संबंधित। सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लिया जाता है, ताकि कभी कभी होता है कि कुछ चीजें आपको पॉजिटिव वे में पूछ लेता है, कभी कभी कुछ निगेटिव वे में, ना पता लगा आप पढ़े नहीं, डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर दिए, तो आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें बात करते हैं, तो पर्वत में जो क्या होता है, नदी में तो पानी होता ही है, तो गुफा क्या होती है, गहराई, गुफा के अंदर की गहराई होती है, तो घाटी में सुंदरता होती है, घाटी में सुंदरता होती है, तो चांद में परछाई होती है, तो आपका विकल्प कौन सा, बी नंबर हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई, किसी कोई समस्या तो नहीं इसमें। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं कि मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प क्या, क्या ज्ञात करना भैया, सही विकल्प ज्ञात करना। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए इसका संबंध क्या होगा। मुस्कान आपके चेहरे पे है, हंसी और रोना उसी तरह से। जिस प्रकार से कहा जाए कि तेवर क्रोध रोष, इसका तीनों का कोई मेलजोल तो नहीं मिल रहा है। अब इसी तरह से छूना, जैसे किसी को आप टच कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बोर्ड को आप टच कर दिया, और इसी को पकड़ना, कहीं से टच भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, दोनों का संबंध, छोड़ना फिर लास्ट में छोड़ देते हैं, तो आपका विकल्प कौन सा, यही बी वाला दिख रहा है, खड़ा होना, सोना, खेलना, ये देखिए खड़ा होकर के सो जाएंगे, ऐसा कैसे संभव भाई, खड़ा होकर खेलना। अब शाम रात दिन, अगर रात का दिन ये तो बात सही है, लेकिन शाम से क्या लेना, तो सुबह शाम दोपहर की बात बोला होता तो ठीक था। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से, ऐसा विकल्पों में से युग्म चुने जो युग्मों युग के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। जैसे चाक से क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, चाक से किस पर लिखते हैं मेरे भाई, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। क्या दरवाजा हैंडल, दरवाजा में तो हैंडल लगा है, लेकिन लिखने की बात आई है, स्याही से क्या करते हैं मेरे भाई, कागज पर लिखते हैं, तो आपका विकल्प कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, टाइप पेंट से। ये बताइए पेंट से तो दीवार पेंट की जाती है, टाइप करेंगे नहीं भाई, टेबल कुर्सी, टेबल कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसी तरह से बात आती है, कह रहा दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दिया गया शब्द युग्म ज्ञात करें, दिया गया क्या शब्द युग्म बताना है। अब बात करते हैं कि माता बच्चे का जन्म देते हैं, जैसे माता जो है एक बच्चे की माता जन्म देती है, उसी तरह से बादल से जो है क्या बनता है भाई, बादल से क्या होता है, जब बादल छा जाते हैं तो क्या होती है भाई, बारिश होने लगती है, तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो, ए हो जाएगा। अब इसमें बिजली गिरने लगती है, बिजली इसका क्या लेना देना, अगर गरजने की बात आती है तो बिजली तो कटी कर सकती है, और तो पानी की बात आई, मौसम की बात आई, तो उससे कोई संबंध नहीं। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात आती है, कह रहा है कि पक्षी जो है पंख से संबंधित है, पक्षियों के क्या होते हैं मेरे भाई, पंख होते हैं, पक्षियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं, क्या होते हैं, पंख होते हैं। उसी प्रकार से मछली को क्या होते हैं, मछली में गलफड़ा होते हैं, सर होते हैं, मीन पंख पैर। मछली जो है जब पानी में देखते होंगे तैरती है, तो उसके पास छोटे छोटे पंख होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मीन पंख बोलते हैं, तो मछली के पास मीन पंख होते हैं भाई, तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी कोई समस्या तो नहीं। ठीक है भाई, और किसी को कोई समस्या तो नहीं भाई इसमें, किसी कोई समस्या तो नहीं इसमें, समझ में आ रहा है ना सबको। अब आती है बात अगला देख लीजिए, 73 नंबर देख लीजिए,
सख्त का पत्थर से तो नरम क्या हो जाएगा भाई, नरम क्या हो जाएगा, नरम का संबंध क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। सख्त जो है किससे संबंधित है, पत्थर से, तो सख्त जो है किससे पदार्थ संबंधित है, पत्थर से, तो नरम जो है किससे, सख्त कठोर, सख्त की बात जैसे कठोर क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, उसी तरह से नरम क्या होता है, आपका पंख होता है, तो नरम किससे संबंधित हो जाएगा, पंख से हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पंख से हो जाएगा, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अब चमक की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, चांद की बात करते हैं, तो उससे कोई लेना देना है क्या, है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है भाई, उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसमें चांद की बात करते हैं, तो चांद से क्या, चांद से क्या मतलब, चांद से भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है। अब इसमें बालू से कोई संबंध दिख रहा है, बालू से भी कोई संबंध नहीं दिख रहा, ठीक है, बालू से उसका क्या संबंध दिख रहा है, ठीक है भाई। और किसी इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, इसमें कह रहा है कि पुस्तक का जो संबंध है किससे भैया, लेखक से, पुस्तक का संबंध किससे, लेखक क्या लिखते हैं भाई, पुस्तक को लिखते हैं। सेम उसी तरह से कारपेंटर जो है क्या करते हैं, कारपेंटर का मतलब वही बढ़ई, बढ़ई बढ़ई बढ़ई, जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, जो बेड वगैरह बनाते हैं, डेस्क बेंच ये सब जितनी भी लकड़ी के प्रोडक्ट होते हैं, सब ये जो बनाते हैं उन्हें कारपेंटर या बढ़ई बोलते हैं भाई। अब इनका संबंध किससे हो जाएगा, फर्नीचर से, तो लकड़ी से होगा, फर्नीचर लकड़ी ही है, फर्नीचर एक लकड़ी ही। और उड कटर, उड कर कटर का मतलब लकड़हारा, जो जंगल वगैरह में से पेड़ पौधे का पेड़ वो काटते हैं उनको लकड़हारा कहते हैं दोस्त। और यंत्र की बात करते हैं, यंत्र, यंत्र का कोई संबंध ही नहीं इससे, यंत्र जैसे मान लीजिए कि कोई भी यंत्र हो गया, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, आरी हो गया, जो भी हो उसका समय, ठीक है भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने इसका विकल्प आपको कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्त। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्वार भाटा, ज्वार भाटा किससे संबंधित है भाई, ज्वार भाटा जो है समुद्र में होता है, कभी कभी देखते हैं 24 घंटे में 2 बार आता, शायद समुद्र के किनारे भी देखेंगे, समुद्र के तटीय क्षेत्र में ज्वार भाटा जो है 2 बार आता दिन में, तो ये ज्वार भाटा जो है किसमें संबंधित है, समुद्र में। उसी तरह से नदियों में देखेंगे कि एक प्रकार जैसे कि स्खलन होता है, जैसे कि अंतः प्रवाह होता है, उसमें अंतः अंतर प्रवाह देखेंगे, जैसे कि कभी कभी गंगा नदी के किनारे आप जाइए देखिए, जब पानी बहता है तो लगता है कैसे फिर एक बार आगे आता है, इसी सिक्वेंस में चलता रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं भैया, अंतर प्रवाह बोलते हैं। अब इसमें बांध, बांध बांध की बात बोलते हैं, नदियों में बांध बनाए जाते हैं उससे कोई, देखिए इसका संबंध जो है ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से, ज्वार भाटा जो लहरों का आना, वही जो क्या होता है समुद्र में लहरें आती हैं, सेम इसी तरह से इसका मतलब लहर, लहरों का आना, जैसे लहरों का आना, लहरों का आना, लहरों का आना, सेम इसी तरह से जो अंतर प्रवाह की बात करते हैं, इसमें जैसे कि जो लहर, इसकी भी लहर ही, लहर से संबंधित, नदी में जो लहर होती है अंतः लहर, ये भी लहर ही एक प्रकार की है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, चलिए आइए देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर है, कह रहा है कि सर्वाधिक उपर्युक्त, उपर्युक्त भाई उपर्युक्त, सर्वाधिक उपर्युक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें, सादृश्य जो आपका क्वेश्चन का जो सीक्वेंस जो कहने का तात्पर्य है उसको पूरा करना भाई। कह रहा है कि चावल में क्या पाया जाता है, चावल से आप अगर चावल खाते हैं तो उसमें चावल में क्या पाया जाता है भैया, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। सेम उसी तरह से अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है भाई, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। जल पाया जाता है, नहीं जल नहीं, उष्मा पाई जाती है, नहीं उसमें भी नहीं पाई जाती, वसा पाई जाती है, वसा का मतलब फैट का मतलब, उसमें नहीं पाई जाती, तो प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़ों जोड़े जैसा संबंध दर्शाता हो, न्यूनतम का संबंध किससे है भैया, अधिकतम से है, न्यूनतम का संबंध किससे है,
अधिकतम से है, तो इसका मतलब क्या है? न्यूनतम का मतलब कम, कम का संबंध ज्यादा से है। ये न्यूनतम का मतलब दोस्त क्या होता है? कम होता है। इसका अधिकतम का मतलब ये क्या होता है? ज्यादा ज्यादा है। अब इसमें बात करते हैं कि अब ये बताइए कैसे शब्द ये दोनों हैं, कम ज्यादा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विलोम है। दोनों एक दूसरे के कैसे भाई? विलोम शब्द हैं। एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो इसका मतलब सबसे खराब सबसे अच्छा, खराब का संबंध अच्छा, या सबसे खराब का संबंध सबसे अच्छा। ये बात सही है? क्वेश्चन जी जिस अकॉर्डिंग कह रहा है उस अकॉर्डिंग पहली बात आपकी सही हो रही है। अब आ जाइए खुश का अर्थ प्रसन्न, ये तो समानार्थी शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। अब इसमें बताइए पहला दूसरे से इसका कोई संबंध ही नहीं, ठीक है भाई। अब इसमें दुखी क्रोधित, क्या कोई व्यक्ति दुखी हो क्रोधित से कोई? अगर दुखी का प्रसन्न दिया होता इसका मतलब ये तो हो जाता। तो इसका मतलब आपका विकल्प कौन सा सही हो रहा दोस्त? विकल्प नंबर एक, सबसे खराब सबसे अच्छा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए और देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कह रहा है क्या पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित जोड़ी को चुनिए। किसको चुनना भाई? संबंधित जोड़ी को चुनना। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए भाई। इसमें कह रहा है कि भारत जो है बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? बाघ है। उसी तरह से अमेरिका, वही अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए भाई, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका संबंध क्या हो जाएगा? भारत जो है, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? बाघ है। क्या है? बाघ है। सेम इसी तरह से कहा जाए अमेरिका का राष्ट्रीय पशु, इसका राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? वर्ल्ड ईगल है। वर्ल्ड ईगल, वर्ल्ड ईगल क्या भाई? वर्ल्ड ईगल है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका विकल्प कौन सा? ये तुरुण कहा जाए तो ये एक प्रकार की एक सिंग, जैसे कि यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न की बात करते हैं। यूनिकॉर्न एक प्रकार का क्या होता है भाई? एक सिंगी, जैसे कि आप देखे हैं घोड़ा, देखे हैं घोड़े की तरह होता है, एक एक सिंगी होता है, इसके पास एक सींग होते हैं, इसके पास क्या होते हैं? सींग, एक सींग होते हैं। ये अपने यहाँ नहीं पाता, ये पाया जाता है कि अमेरिका में पाया एक कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें बात करते हैं बाल्ड ईगल, बाल्ड ईगल आपका कहाँ पाया जाता है भाई? अमेरिका में पाया जाता है। अब इसमें तुरुल की बात करते हैं, तुरुल एक प्रकार का पक्षी है। क्या है? तुरुल एक प्रकार का पक्षी है। तो आपका विकल्प क्या? उसमें आपसे पक्षी से पूछा नहीं, उसमें राष्ट्रीय पशु पूछा। और ड्रक भी एक प्रकार का कोई जानवर है, मतलब कि वो भी ड्रक भी एक प्रकार की समझ जाए पक्षी ही है, ठीक है भाई। चलिए देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं भारत का संबंध किससे भाई? कह रहा है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। भारत में क्या चलता भाई? भारत का मुद्रा क्या है? रुपए है। सेम उसी तरह से पूछ रहा दक्षिण अफ्रीका का क्या भैया? दक्षिण अफ्रीका का, जल्दी से आप लोग बताइए भाई, सभी लोग एक तरफ से बताइए भाई, दक्षिण अफ्रीका का क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपए है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या हो जाएगी भाई? रैंड हो जाएगी। इसकी मुद्रा क्या है? रैंड। और डॉलर की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और पाउंड की बात करते हैं, ये जो है यूनाइटेड किंगडम का है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त
राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसकी बात करते हैं पौंड की, पौंड जो है आपका ये कहाँ की मुद्रा, यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। और फ्रैंक भी है, ये कहाँ की मुद्रा है आपकी, फ्रैंक भी है कहीं की, उसको याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जान लीजिए कि डॉलर कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और क्या है, रैंड आपकी जो है कहाँ की मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की, ये भी अफ्रीका की है, ये अफ्रीका की है सर। और पौंड जो है यूनाइटेड किंगडम की है, कहाँ का भी है, यूनाइटेड किंगडम। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त, आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आई नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कह रहा है कि समुद्र जल में क्या पाया जाता है, समुद्र कहाँ पाया जाता है, जल में। जल ढेर सारे जल इकट्ठे होकर किसका निर्माण करते हैं, समुद्र। उसी तरह से हिमनद से भी क्या बनता है भैया, बर्फ बनता है। हिमनद से क्या बनता है, बर्फ बनता है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हिमनद से पहाड़ी बनते हैं, पहाड़ तो पत्थर से बनते हैं भाई, तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। और इसमें ओलावृष्टि की बात करते हैं, जो ओला जैसे कि जो ओस पड़ती है उसको ओला बोलते हैं। और चोटी जो पर्वत की सबसे ऊंची टॉप वाली जो पोस्ट होती है, पर्वत की जो सबसे टॉप की जो होती है, जो ऊपर वाला भाग होता है, उसको चोटी कहते हैं। इसका मतलब आपका विकल्प बर्फ का संबंध किससे हो जाएगा, हिमनद से। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है गौरैया क्या खाती है, दाना। गौरैया क्या खाती भैया, ये गौरैया जो है वो क्या खाती है, दाना खाती है। तो रेशम का जो कीड़ा है, रेशम का कीड़ा उससे क्या खाता है, इसका क्या है खान पान, इसका क्या खाता भैया, रेशम का कीड़ा जो है मलबरी। मलबरी की बात करते हैं तो इसे सहतूत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सहतूत। इसे क्या बोलते हैं, सहतूत के भी नाम से भी जाना जाता है मलबरी, इसे सहतूत के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, सभी लोग को समझ में आ रहा ना, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ये बताइए, जैसे कहा जाए आपसे कि आपकी आंखों में क्या आता है, आंसू। आपकी आंखों में क्या होता है, आंसू आता है। तो सेम उसी तरह से कहा जाता है समुद्र में जल आता है। समुद्र अगर कहने से तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो जल में ही है, जल ही है, तभी तो समुद्र बता रहा है। अब ज्वालामुखी कहाँ आती भैया, लावा। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा। ठीक उसी प्रकार जैसे नेत्र से आंसू निकलते हैं, तो सेम उसी तरह से आपका ज्वालामुखी से क्या निकलता है भाई, लावा निकलता है। हृदय से धमनी, इसका कोई संबंध नहीं। भूख से ब्रेड, हृदय भूख से ब्रेड, इसका क्या मतलब है, इसका कोई संबंध ही नहीं। भूख से संबंध, भूख से क्या निकलती, जैसे आह निकलती, ये सब हो जाता तब तो हो जाता। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कहा जाए कि गर्म का संबंध किससे है, शीतल से। इससे इस सब क्या कहा, दूसरे सही युग्म का उपलब्ध विकल्पों से चयन कीजिए। अभी की हमको ये स्पष्ट आप लोग बता दीजिए, इसमें क्या कह रहा है, गर्म का संबंध शीतल से। तो कोई चीज गर्म है उसके पास क्या, ठंडा, उसका क्या है, विलोम शब्द है, गर्म को ठंडा कहे। तो उसी तरह से विशाल को बड़ा, ये बताइए विशाल कहने से मतलब वो भी ऑलरेडी बड़ा ही है, तो उसको बड़ा कहेंगे तो उससे कोई संबंध ही नहीं। अब यहां से बताइए, पतला मोटा, ये देखिए कोई जिसे मान लीजिए कि ये पतला है, ये जो पेन है ये पतली है, अगर कहा जाए हमारे हाथ की तुलना इस पेन से करें तो हमारा हाथ मोटा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये दोनों विकल्प विलोमानुपात संबंध को बता रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, जैसे लंबा ऊंचा, कोई भी चीज अगर लंबा है
वो ऊंचा तभी है, तभी तो लंबा है। पुरुष शिशु, इसका मतलब पुरुष जो है पहले शिशु रहा होगा, पुरुष का संबंध शिशु से है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए और देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शोक का संबंध क्या है भैया? शोक का संबंध सादृश्यता का पूरा करें, शोक का संबंध किससे भाई? शोक का संबंध है खुशी से, तो संशय का संबंध किससे हो जाएगा? संशय कहानी का मतलब जैसे कि संदेह, कोई भी काम कर रहे हैं आपको लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाए, एक संदेह मन में बना हुआ। सेम उसी तरह से ये समझ लीजिए कि इसका दोनों का विलोम अनुपात संबंध है, तो संशय का संबंध संशय रहित, मतलब संशय ना हो, तो वही आपका विकल्प कौन सा? सी नंबर। संशय का संबंध अज्ञान से, इसका कोई संबंध ही नहीं, और संशय का संबंध दुख से, इसका कोई संबंध ही नहीं। कायरता, कायरता मतलब जो निपुणता, मतलब जो किसी काम के ना हो। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने है, अब इसमें बात करते हैं, इसमें बात जब करते हैं हम लोग तो क्या होता भाई? ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित, जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होता भाई? जूल होता है। पावर कहे या शक्ति कहे, दोनों बात तो बराबर है, इसी को शक्ति भी बोलते हैं, पावर। अभी बताइए शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? शक्ति का जो मात्रक होता है वही तो पावर का भी मात्रक है। शक्ति का मात्रक मेरे भाई वाट होता है, वाट होता है। अगर ओम की बात करें तो ओम किसका मात्रक होता है? ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक। किसका भाई? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का मात्रक। और वाल्ट की बात करते हैं तो वाल्ट आपका किसका मात्रक होता है? वाल्ट की अगर बात करें तो वाल्ट आपका किसका मात्रक होता है भाई? वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? वाल्ट है। अब इसमें शक्ति की बात तो आपकी हो गई, किसके साथ? पावर के साथ। अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता मेरे भाई? वाट होता है। लेकिन आपसे संबंध किसका पूछा है? कह रहा है कि पावर का मात्रक क्या होता है, तो पावर का मात्रक आपका वाट हो जाएगा भाई। तो वाट आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ये जो विकल्प दिया गया है इसमें संबंधित चयन का, ये बताइए परिवहन क्या काम आता है भैया? परिवहन किस काम में आता है आपके? परिवहन से क्या ढोया जाता है भाई? माल ढोया जाता है। क्या ढोया जाता है? माल ढोया जाता है। सेम उसी तरह से जब परिवहन से माल ढोया जाता है तो अब ये बताइए हमको कि बैंक किस काम में आता है? बैंक में धन जमा करने के लिए। ये तो तीनों जो मुद्रा है, ये भी मुद्रा है, ये भी मुद्रा है, ये भी मुद्रा है, इसको बैंक में जमा करते हैं, लेकिन इसको ऑलरेडी क्या कहा जाता है? जो पैसा जमा करते हैं उसको धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बैंक में किससे जमा कर, बैंक में क्या जमा होता है? धन जमा होता है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से समरूप शब्द का चयन करने। समरूप कहने का मतलब एक जैसा जो संबंध दिखे। अभी बताइए संक्रांति की बात करते हैं तो संक्रांति, वही मकर संक्रांति, ये कहाँ का त्योहार? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये। आंध्र प्रदेश का एक अच्छा खासा पर्व है ये, जो है यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से ओणम जो है आपका केरल में, जो ओणम एक पर्व है मकर संक्रांति जैसा,
वो आपको कहाँ मनाया जाता है भैया? केरल में मनाया जाता है। और भांगड़ा जो है, भांगड़ा ये तो नृत्य है, ये कहाँ का है? पंजाब का। और क्रिसमस जो है क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, ये एक प्रकार का मेला लगता है, जैसे क्रिसमस के दिन ये क्रिश्चियन लोग जो है उनका मेला लगता है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? ये आपका नाट ये एक क्या है? कथक आपके उत्तर प्रदेश का है भैया, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है? कथक आपकी क्या है? उत्तर प्रदेश की, ठीक। अब इसमें बात करते हैं जैसे कि ओणम आप कहाँ से है? ओणम आपका प्रकार जैसे एक प्रकार का पर्व है, वो जैसे आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति मनाते हैं, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है भैया, मनाया जाता है 14 जनवरी को, 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक है? जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन, जो ये विकल्प दिया गया है इसके संबंधित शब्द को चयन। अब इसमें बात करते हैं पहिया जो है, पहिया तीली, जैसे मान लीजिए आप साइकिल की पहिया है, इस साइकिल की रिम है, यहां देखेंगे इस तरह से कई प्रकार, ये क्या है? तीली से बना, ये क्या होती है? तीली लगी होती, तीली लगी होती। सेम इसी तरह से अगर आप जैसे कि वॉल फैन ले लीजिए, पंखा, जो ये पंखा टंगा हुआ है, पंखा ले लीजिए, पंखे में देखेंगे ये आपका बीच का भाग जहां मोटर लगा होता है, अब इससे कई क्या हो जुड़े होते हैं? पत्ती लगे होते हैं, क्या होता है भाई? पत्ती। ये आपका क्या होता है? पत्ती होता है। ये आपका क्या होता है? पत्ती होता है, पत्ती होता है, ये से होते हैं पत्ती। ये आपका पंख है, इसी को पत्ती या पंख बोलते हैं, यही आपका क्या है? पंख है। सेम इसी तरह से पहिया का संबंध अगर तीली से है तो पहिए में क्या होती है? ढेर सारी तीलियां होती हैं। उसी तरह से पंखा में पंख होते हैं भैया, क्या होते हैं? पंख होते हैं। पंखा से तो हवा मिलती है ना कि उसके, और चक्कर, पंख से चक्कर का क्या संबंध है? अगर मोटर की बात बोला होता तब तो हो जाता है, मोटर भी होगा पंखा से, नहीं, पंखा में क्या, मोटर तो लगे होते हैं लेकिन उसमें क्या लगी होती? पंख भी लगे होते हैं ना। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया दोस्त। इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन कीजिए। संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करना, क्या करना भाई? हंस, हंसों से संबंधित, किससे संबंधित है? हंसो, हंस का बहुवचन क्या भैया? हंसो। उसी तरह से मोजों का बहुवचन मोजा है? नहीं भाई, मोजों का बहुवचन मोजा नहीं होगा, अगर मोजा का बहुवचन मोजो होता तो हो जाता। उसी तरह से कमीज अगर है, पहले कमीज होता, कमीजों का संबंध किससे? कमीज से। ये भी होगा? नहीं होगा। जैकेटों का संबंध किससे? जैकेट से। ये भी होगा? नहीं होगा। अब यहां बात आती है पतलून का संबंध पतलूनों से, तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्त, 89 का आपका विकल्प कौन सा? डी नंबर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी कोई समस्या तो नहीं भाई। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखिए आपके सामने। इसमें कह रहा है कि बढ़ई, बढ़ई के पास जो है क्या होता है? उसको काम करने के लिए सबसे मूल औजार क्या? हथौड़ी होती है, हथौड़ी, जिससे वो कील वगैरह जो है, तख्त, अगर मान लीजिए तख्ता बना रहा है उसमें कील वगैरह ठोकने के लिए, बेंच बना रहा है तभी कील ठोकने के लिए हथौड़ी का प्रयोग करता है। उसी तरह से क्रेन जो है बिल्डर, क्रेन बिल्डर, इसका क्या संबंध है भाई? क्रेन बिल्डर्स, क्रेन तो आपका मान लीजिए कि जिससे गाड़ी पलटी हुई है उसको उठाने के लिए, या कोई भी बड़ा सामान उठा करके दूसरे स्थान पर रखने के लिए, उसका काम है ना बिल्डर, इसका क्रेन का। तो कंप्यूटर लेखक, कंप्यूटर और लेखक का क्या संबंध है भाई? संबंध है कंप्यूटर, अगर कहा जाए कि इसका संबंध से दस्तावेज बनाने के लिए ये सब होता तब तो ठीक है। नल, नल साज ए पाना, नल साज थीम, उसी तरह जैसे बढ़ई जो है हथौड़ी का प्रयोग करता है, उसी तरह से नलसाज जो है पाना का प्रयोग करता है। पाना भी एक प्रकार का यंत्र है, उसके बिना ये काम नहीं कर सकता। तो
तो उसी तरह से कुल्हाड़ी देखा जाए तो लकड़हारा, कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा, इसका क्या संबंध? पेड़ का संबंध अगर कहा जाए कि पेड़ जो है किससे बनता है, कुल्हाड़ी से बनता है, सेम उस तरह से इसका संबंध हो जाता है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, नलसाज का संबंध किससे हो जाएगा, पाना से, तो आपका विकल्प कौन सा, सी नंबर। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। अब इसमें बात करते हैं कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करता है। सर्वोत्तम ढंग कहने का मतलब क्या है भाई, जो अधिक अच्छे से। अब उसी तरह से कहा जाता है कि होटल जो है, होटल में मेन्यू होता है, कभी भी आप होटल में बच्चे अच्छे होटल में जाएंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले आपके सामने जब टेबल बैठेंगे उस पर एक लिस्ट, एक जो है कॉपी बनी होती है, उस पर आप पूरा मेन्यू लिखा होता है कि पनीर इतने रुपए का है, इतने रुपए प्लेट, इतने रुपए में हाफ, इतने रुपए में फुल, और चावल देखेंगे हाफ इतने में, और इतने में जो है जो भी प्रोडक्ट जितना भी उस होटल में बनता है सभी सामग्री का एक सेटल वाइज, एक स्टेप वाइज जो है सबका नाम और क्या उसका प्राइस लिखा होता है। ये होटल का संबंध किससे हो जाता है, मेन्यू से। सेम उसी तरह से पुस्तकालय में जैसे क्या कहा जाए, पुस्तकालय का संबंध किससे हो जाए, कैटालाग। उसी तरह से जैसे पुस्तकों को रखने के लिए, जैसे मान लीजिए इधर की से आप पुस्तकालय में गए हैं, उसमें रखा गया है, इधर मैथ की किताब रखी गई है और एक साइड दूसरे रैक में रीजनिंग की रखी गई है, उसके ऊपर इंग्लिश की रखी गई है और उसके साइड में रीजनिंग की रखी गई, जीएस की रखी गई है, आगे जितनी भी बुकें हैं इंजीनियरिंग की, जितनी भी बुकें हैं सब अलग अलग एक सीक्वेंस वाइज रखी गई है अलग अलग रैक में, तो इसका संबंध यही कैटालॉग से है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जैसे बात किया जाए, कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, जो नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ठीक है भाई, अब इसमें बात करते हैं अनाज, अनाज का क्या लगाया जाता है, ढेर। अनाज जैसे मान लीजिए ढेर सारे अनाज है तो उसको जब इकट्ठा करके आप रखेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, ढेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढेर बोलते हैं। ठीक, सेम उसी तरह से कागज जो है, कागज को एक बंडल बना करके रखेंगे, एक इकट्ठा बंडल बना कर रखेंगे तो वही आपको क्या हो जाएगा, इसका संबंध क्या हो जाएगा, कागज को कैसे रखेंगे, बंडल बनाकर, बंडल। कागज का भी ढेर लगाएंगे, नहीं, ढेर का मतलब वही कूड़ा, जैसे कि आप देखेंगे अनाज रखा है, अनाज को एक ढेर सारा जैसे कि ऐसे बाजते हुए चले जाएंगे ऊपर तक, तो उसको क्या बोलते हैं, ढेर बोलते हैं। कागज है, कागज का बंडल बना करके आप उसको रखेंगे ना एक सीक्वेंस में। ठीक है भाई, और तंतु, तंतु तो ये दूसरा समझन संग्रहण है, संग्रहण का मतलब इसका मतलब ये भी इकट्ठा करना ही होता है। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर सी। चलिए आइए देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, कौन सा ऐसा शब्द है जो इसका सर्वोत्तम ढंग से। अच्छा एक ये बताइए, किसी अंधे को अगर प्रकाश है, किसी अंधे को वहां पर खड़े कर दिया जाए तो क्या उस प्रकाश की जानकारी का अनुभव ले सकता है, प्रकाश का अनुभव लेगा, नहीं। सेम उसी तरह से अगर भाषण, जैसे गूंगा व्यक्ति है उसको कह दिया जाए कि आप भाषण दे दीजिए, क्या वो भाषण देगा, से जब उसकी आवाज नहीं निकलेगी तो गूंगा है तो कहां से वो भाषण दे पाएगा भाई। तो इसका मतलब गूंगा का संबंध, गूंगा है जो बोल भी नहीं पाए, गूंगा का मतलब जो बोल ना पाए, जो बोल ना पाते हैं उन्हें गूंगा बोलते हैं। अब वो भाषण संबंध, भाषण का भाषण से नहीं, जीभ से नहीं, आवाज से, आवाज जब निकलेगी तो भाषण दे ही देगा, उसकी चाहे आंख हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आवाज निकलेगी तो भाषण दे ही सकता है, तो इसका मतलब इसका संबंध किससे हो जाएगा, गूंगा से। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे माना जाए, इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द
कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? कह रहा जापान ग्रीन तीतर, जापान का राष्ट्रीय पक्षी की जब बात करते हैं तो जापान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? ग्रीन तीतर भैया। उसी तरह से भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर होता है, मोर आपके भारत का राष्ट्रीय पक्षी। सेम इसी तरह से तोता भी कहीं का है और एमो भी है और गौरैया भी है। गौरैया ये तो है आपका, जिससे कि गौरैया आपका देखा जाए कि बिहार और बिहार झारखंड इधर साइड में जो है गौरैया के जो है पूजा करते हैं इधर के लोग ज्यादा, जिससे कि ये है आपका बिहार साइड में ज्यादातर जो है गौरैया को जो है पालन करते हैं भाई। यहाँ लगभग इसका रेशियो 60% जो है गौरैया का पालन करते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जैसे बात किया जाए कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा, सही तरीके से पूर्ण करेगा। बात किया जाए हाइग्रोमीटर, आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब नमी, आर्द्रता का मतलब नमी को नाप, नमी एक संबंधित नमी। उसी तरह से बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर ये दाब को नापता, दाब या दबाव। बैरोमीटर से किससे नापा जाता है भैया? दाब को नापा जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर डी। अब गति की बात करते हैं तो गति किसमें नापते हैं? या तो किलोमीटर पर आवर में या तो मीटर पर सेकंड में, जिस तरह की आपकी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। या तो आप किलोमीटर में नापते हैं जिससे किलोमीटर पर आवर में, या मीटर पर सेकंड में नापते हैं गति, यही तो होता है। और आपकी तापमान की बात करते हैं तो तापमान कैसे नापा जाता है? टेम्परेचर से, सेल्सियस नापते हैं टेम्परेचर से। एक टेम्परेचर को सेल्सियस नापते हैं, इसका मात्रा जिसे सेल्सियस पैमाना होता है उसी से नापा जाता है। अब बात आती है धारा, धारा किससे नापते हैं? धारा एमीटर से नापते हैं। एक होता है जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी, जैसे कि जब वायरिंग करने वाले होते हैं जो उनके पास एक एमीटर होता है, घड़ी नुमा होता है, छोटा सा होता है, जैसे दोनों तरफ लगाते हैं अगर करंट प्रवाहित होती है तो तुरंत उसका जो है ऐसे डाइवर्ट हो जाता है। इसका मतलब आपको स्पष्ट हो जाता है कि इस तार तार जो है सही है, विद करंट फ्लो हो रही है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाए। अब इस तरह से आप बात करते हैं, जैसे कह रहा है कि उस शब्द युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाता है, युग्म के समान संबंध दर्शाता है। अगर एक चीज हमको बात करिए, पानी से आपका है जरो, जैसे मान लीजिए कि पानी जो है, अगर मान लीजिए पानी इकट्ठा है, उससे कौन सा रोग होता है? हैजा, हैजा होता है। सेम उसी तरह से अगर मच्छर आपको काट लेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा भाई? कौन सा रोग होगा? मलेरिया। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अब इतनी फ्लेग, फ्लेग बिल्ली से होता नहीं, मौत जहर से। अगर जहर खाने से मौत होती, इसका मतलब जहर से मौत होता, तब जब उल्टा इसमें रोग से दवा, दवा से रोग, रोग से दवा, इसका कोई संबंध नहीं, ये तो ठीक होगा ना। अभी कह रहा कैसे क्या होगा ये बात है, तो आपका संबंध कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है क्या, कौन सा संबंध नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? अब इसे बात करते हैं, पर्वत का संबंध किससे भैया? घाटी से। घाटी का मतलब पर्वत जैसे बहुत ऊंचा है, घाटी का मतलब जो खाई वगैरह होती है। अगर बात करते हैं जैसे ये आपका पर्वत है, ये आपका पर्वत है, अगर घाटी की बात करें जैसे ये आपका घाटी है, ये आपका घाटी है, ये आपका संबंध क्या है? घाटी का, इसका मतलब खाई, इसका मतलब दोनों शब्द कैसे बना रहे हैं? ये पर्वत की बात करते हैं भाई, ये पर्वत आपका देख लीजिए, ये पर्वत, ये आपका जो है संबंध किसका दर्शाता है? पर्वत आपका कैसे संबंध दर्शाता है भैया? पर्वत जो है कैसे संबंधित है? घाटी से। इसका मतलब दोनों जो है एक दूसरे के विलोम है। सेम इसी तरह से दुश्मन जो है भैया, किसी दुश्मन जैसे मान लीजिए कि आपसे दुश्मनी है तो वो दुश्मन आपका है, तो उसको आप जैसे कि उसका विलोम कहा जाए, तो इसका मतलब आपसे कोई कहेगा कि वो आपका दोस्त है, तो आप समझ रहे हैं क्या है? मेरा वो दुश्मन है। तो
तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर ए हो जाए, सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। दोस्त क्या अनजान, अनजान का मतलब वो अनजान, अनाड़ी मतलब वो है जो जिसको कोई, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, निर्दयी जो स्वाभिमान रखता हो, जैसे किसी अपने से मतलब, जैसे किसी से नहीं मतलब। और देश, देश का मतलब आपका भारत देश है, ठीक है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। जैसे इसमें बात किया जाए, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? जैसे चेहरा, चेहरा अभिव्यक्ति करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आपकी जो खुशी होती, चेहरे की जो मुस्कान होती, आपके सभी चीजों को बयां करती है। इसका मतलब आपने जो कुछ उपलब्धि प्राप्त किया, तभी तो आप जो है, आपका मुस्कान ही बता दे रहा है कि आपने आज अच्छा काम किया या कुछ भी काम किया है जो आपके फायदेमंद की हुई है। तो आपका जो मुस्कान ही बता देती है, चेहरा से ही पता चल जाता है कि आपने आज अच्छा काम किया है। सेम उसी तरह से अगर हाथ की बात करें, अगर मान लीजिए कैसे कहा जाए, ये चीजें ऐसे इशारा कर दिया जाए, इसका मतलब हाथ से क्या किया जाता है भाई? इशारा किया जाता है। हाथ से क्या किया जाता है? इशारा, इशारा किया जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाथ मिलाना, हाथ से तो हाथ मिलाएंगे ही, लेकिन चित्रकारी, हाथ से चित्रकारी भी बनाएंगे, वो काम जो है काम भी करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है दोस्त। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे माना जाए, आप कह रहा है कौन सा संबंध, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? कौन सा संबंध सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? किससे भैया? सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं घन। घन जो है कैसे बनता भैया? घन का निर्माण कैसे होता है? घन की जब बात करते हैं तो घन कैसे बनता भाई? घन कैसे बनता है? अगर घन की बात करते हैं तो घन कई वर्ग मिल करके एक घन का निर्माण करते हैं। जैसे बात किया जाए, यही आपका जैसे मान लीजिए घन है बना है, ये आपका वर्ग है, ए भी तो एक आपका वर्ग ही है, एक भी आप वर्ग बना रहे हैं। आप एक चीज बताइए, ये भी तो एक वर्ग ही तो बना रहे हैं, ये भी तो एक वर्ग बना है, और ए भी तो एक वर्ग बना है, ए भी तो एक वर्ग बना है। इसका मतलब कई वर्ग, इसका मतलब चार वर्ग मिलकर के एक घन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भैया? एक घन का निर्माण, छह वर्ग मिलकर के। जैसे देखा जाए, यही कमरा है, मान लीजिए कमरा आपका घनाकार है, इसमें आपका ऊपर एक जो परत होगी वो भी तो घना वर्गाकार होगी, वर्ग के आकार की होगी, और जो साइड होगा वो भी वर्ग के आकार का होगा, जो इधर साइड होगा वो भी तो वर्ग के आकार का होगा, जो इधर साइड होगा वो भी तो वर्ग के आकार का होगा, और जो सर सामने होगा वर्ग आकार का होगा, और जो नीचे होगा वो भी तो वर्ग के आकार का होगा। अब इसका मतलब ये है कि आपका जैसे घन जो है कई वर्ग से मिलकर के बनते हैं, सेम उसी तरह से वर्ग जो है रेखाओं से मिलकर के बनते हैं। कई रेखाएं जब मिलेंगी तो वर्ग का निर्माण करेंगी। तो ये अब बात करते हैं, तो आपका ये क्या हो गया? आपका ये वर्ग हो गया। ये क्या है भैया? वर्ग है। और ये क्या है? आपका घन है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। रेखाओं के निर्माण से कौन सा निर्माण? रेखाओं से, कई रेखाओं से मिल करके वर्ग का निर्माण होता है, उसी तरह से वर्ग के मिलने से घन का निर्माण होता है, ठीक है भाई। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, देखिए आपके सामने है। इसमें कहा जाए कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? सर्वोत्तम ढंग से मतलब अच्छी तरीके से। तो बात करते हैं जंगल में, जंगल में जो है क्या बनाया जाता है भैया? चिड़ियाघर। जंगल में चिड़ियाघर की बात में सही है। उसी तरह से समुद्र में जंगली जीवों को रखने के लिए, जंगली जीवों को रखने के लिए क्या बनाते हैं भाई? चिड़ियाघर में जंगली जीवों को रखते हैं। उसी तरह से समुद्री जीवों को रखने के लिए आप एक्वेरियम, एक्वेरियम में समुद्री जीवों को रखते हैं। बंदरगाह जो होता है
वहां आपके जहाज जैसे जो समुद्री जहाज है वहां सामान वान ढो करके जो रखते हैं, जो प्लेटफार्म समझ लीजिए, जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो बंदरगाह का मतलब आपका प्लेटफार्म। जैसे मान लीजिए समुद्र के इलाके में आप जाएंगे तो उसमें देखिए बंदरगाह बनाए जाते हैं, कई बंदरगाह, जैसे कि आपका स्टॉपेज जहाज जहां पर रुकता है बस वही बंदरगाह होता है। ठीक है भाई, अब इसमें पानी, पानी से कोई संबंध नहीं, मछली से कोई संबंध नहीं इसका। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं उस युग्म का चयन करें जो नीचे युग्म के समान संबंध को प्रदर्शित करता है। कह रहा है पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी आपकी जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों, चंद्रमा की किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सही तरीके से पूर्ण करेगा? कौन सा ऐसा शब्द है जो नीचे दिए गए आपको जो है शब्द को पूर्ण करेगा, सही तरीके से पूर्ण करेगा? ठीक है भाई, अब इसमें देखना है जैसे सुई जो है, सुई का क्या क्या होता है? सिलाई करना। सुई से क्या करते हैं भैया? सिलाई करना। उसी तरह से चाकू से क्या करेंगे भैया? काटने का काम करते हैं। चाकू से कौन सा काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। कौन सा? काटने का काम किससे करते हैं? चाकू से। ठीक है भाई, आपके सामने आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? काटना। चाकू से क्या करेंगे? काटना। अब इसमें बात करते हैं चाकू से क्या खाना खाएंगे? नहीं भाई, चाकू से खाना नहीं खाएंगे। चलाना, सी ये चलाना, क्या चाकू से चलाना करेंगे? चलना चलाना क्या चलाएंगे चाकू से? उसी तरह पीसना, चाकू से पीसेंगे? नहीं, चाकू से, चाकू किस काम में आएगा? काटने के काम में आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है दोस्त। अब इसमें बात करते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। पेन से क्या करेंगे भैया? लिखने का काम करेंगे। पेन किस काम में? जैसे ये पेन है हमारी, इस पेन से हम क्या कर रहे हैं भैया? इस व्हाइट बोर्ड पर लिखने का काम कर रहे हैं। इस डिजिटल बोर्ड पर क्या कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं। अगर यही काम जैसे चाकू होता तो चाकू से क्या करते हैं भैया? इससे काटने का काम करते। क्या करते? काटने का काम, काटना। चाकू से हत्या करेंगे? हत्या तो मान लीजिए आपके बंदूक वगैरह जो है इससे भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें हत्या करने की बात नहीं। बंद करना, बंद करने से कोई सेंस नहीं निकल रहा है। और जोड़ना, किसी चाकू से क्या जोड़ेंगे? जोड़ने का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। दूसरा पद पहले से संबंधित है। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए कि बिल्ली का जो बिल्ली का बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा, मतलब बिल्ली को बिल्ली के बच्चे से संबंधित रखते हैं। से पहले बिल्ली का बच्चा रहा होगा, तब उसके बाद बिल्ली में कन्वर्ट हुआ होगा। उसी तरह से भेड़, भेड़ जो है जब बच्चे इसके होते हैं, इसके बच्चे को क्या कहा जाता है? उसमें मेमना, मेमना कहा जाता है भाई। उसमें क्या कहा जाता है? मेमना। तो मेमना से कन्वर्ट होकर किसमें आते हैं? ये लोग भेड़ बनते हैं, भेड़ में। ठीक है, अब उसमें हिरनी का बच्चा, भेड़ का बच्चा, हिरनी के बच्चे, भेड़ से हिरन से कोई संबंध ही नहीं, कोई संबंध नहीं दोस्त। और मेढकी का बच्चा, क्या मेढक से भेड़ से कोई संबंध दिख रहा है? दूर दूर तक नहीं है। अब इसी तरह से लार्वा, लार्वा क्या मेढक से है? टैपोड से निकलता है, टैपोड का लार्वा इसके मेढक में जो होता है भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जैसे कहा जाए कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द किससे संबंधित है? पहले शब्द से संबंधित है। जैसे मकान आपका किससे संबंधित भैया? मकान घर से संबंधित। एक तरह से कहा जाए आपका समान, समानार्थी शब्द,
पर्याय एक हिसाब से कहा जाए समानार्थी शब्द, समान। मकान का संबंध कैसे है? घर से है। सेम उसी तरह से अगर कहा जाए दोष का संबंध किससे भैया? सदोष से है। किससे है? सदोष से। दोष का संबंध किससे है? सदोष से। तो आपका विकल्प कौन सा? बी नंबर हो जाएगा दोस्त। विकल्प नंबर कौन सा? बी नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी कोई समस्या तो नहीं भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ओडोमीटर की बात ही करते हैं आप लोग। ओडोमीटर से क्या नापते भैया? गति नापते हैं। ओडोमीटर से क्या नापते हैं भैया? ओडोमीटर गति को मापने में काम आता है। सेम उसी तरह से एमीटर किस काम में आता है भैया? करंट मापने में। जैसे आपके लाइट है, जैसे मान लीजिए इसमें आपकी तार में कितनी करंट बह रही है, इसका मेजर करना होगा, तो हमको किससे करना पड़ेगा? एमीटर लगा करके इसका मेजर करेंगे भाई। इसको मापना होगा। कैसे मापेंगे? एक अमीटर लगाएंगे तब जब इसका मापन करेंगे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं तो द्रव्यमान, इसमें करंट से संबंध हो जाएगा। द्रव्यमान से अमीटर से कोई संबंध है? नहीं है। भूकंप, भूकंप सिस्मोग्राफी से नापते हैं। सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी से क्या मापते हैं भैया? भूकंप का मेजर करना होगा तो सिस्मोग्राफी से मापते हैं। किससे? सिस्मोग्राफी से। ये आपका पढ़ा है भैया सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी। अब इसमें बात करते हैं कि वायु, वायु मापने के लिए दूसरा आपका यंत्र होता है वायु दाब मापी, जैसे कि वायु दाब मापी। इसमें आपका ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर गति वाला में हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने इसका विकल्प आप कौन सा ही हो जाएगा? करंट, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हॉकी जो है कैसे संबंधित? उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हॉकी जो है कहाँ खेले जाते हैं भैया? मैदान में। हॉकी कहाँ खेले जाते हैं? मैदान में। सेम उसी तरह से बैडमिंटन कहाँ खेले जाते हैं? कोर्ट में। कोर्ट में कहाँ खेले जाते हैं? कोर्ट में। कुछ लोगों के मन में विचार आता है कोर्ट है तो आपका जुडिशली, जहां पे आप फैसला वगैरह सुना जाता है, जैसे कि ये आपका देखा जाए हाई कोर्ट जैसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कोर्ट। एक कोर्ट नहीं भैया, कोर्ट होता है खेलने वाले स्थान जहां पे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। स्टेडियम में, स्टेडियम में देखा जाए तो आपको क्या होता है आपके जो है मैच वगैरह होते स्टेडियम में। ठीक है भाई, अखाड़ा जैसे मान लीजिए कहीं आपके ऐसे प्लेस पे जहां पर थोड़ा सा जैसे कि मिट्टी वगैरह अच्छे खासी हो, वहां पे आप अखाड़ा होता है। ठीक है भाई, ये पिच टिक कर दिए, इसमें पिच नहीं होगा, कोर्ट होगा। जाएगा क्या हो जाएगा? कोर्ट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कोर्ट हो जाएगा। बैडमिंटन का संबंध किससे? कोर्ट से। तो आपका विकल्प कौन सा? डी नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी कोई समस्या तो नहीं भाई इसमें। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं भाई। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, किसका? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त। सभी लोग एक तरफ से बताइए भाई, सभी लोग बताइए भाई, सभी लोग बताइए। इसमें जैसे कहा जाए जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा आपकी एन है। क्या भाई? जापान की मुद्रा एन है। उसी तरह से कोरिया की मुद्रा को क्या बोलते हैं भैया? वान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वान बोलते हैं। तो वान क्या हो जाएगा आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। डॉलर की बात करते हैं तो आपका डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कहाँ का भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका। पाउंड यूनाइटेड किंगडम का है। भाट, ये भाट मालूम नहीं कहाँ का भाई, हमको याद नहीं आ रहा है। ये आपका डॉलर कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, अमेरिका का, अमेरिका। और पौंड की बात करें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम का है, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है भाई,
तो आपका विकल्प कौन सा, वन एक कोरिया का मुद्रा कौन है, वन है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी कोई समस्या तो नहीं भाई इसमें। चलिए जल्दी से नोट करिए और आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। कह रहा है क्या, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से, जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इसे आर्मी, आर्मी क्या भैया, आर्मी आपका क्या है, आर्मी आपके कहां, आर्मी आपके क्या है, सैनिक है। आर्मी का संबंध किससे है, सैनिक से है। आर्मी का जो संबंध है आपका किससे है, सैनिक से है। आर्मी का संबंध कैसे भैया, आर्मी जैसे कि आर्मी किसके अंतर्गत आते हैं, सैनिक में। आर्मी आपके कैसे आते हैं, सैनिक। उसी प्रकार से गैलेक्सी आपका ग्रह है, गैलेक्सी को क्या ग्रह बोलते हैं, ना कि इसको आकाशगंगा। कुछ लोग के मन में होता है आकाशगंगा, एलियंस ये भी नहीं होगा, तो मोटर्स ये भी नहीं होगा। गैलेक्सी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, आकाशगंगा ना कहकर ग्रह। गैलेक्सी आपका क्या है, ग्रह है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बात करते हैं। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। प्रार्थना, प्रार्थना कहाँ की जाती है मेरे भाई, मंदिर में। तो उसी तरह से खाना पीना कहाँ, रसोई में बनता है, तो रसोई से संबंध किसका, रसोइया से। तो करछुल, कुकर, चावल ये सब तो रसोइये में रखे जाते हैं, ये सब रखे जाते हैं, इन्हीं सब के माध्यम से जो है रसोई में खाना पीना बनता। तो आपका संबंध किससे हो जाएगा भाई, रसोई से। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्त। सभी लोग इसी तरह से लगे रहेंगे तो आगे बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आरआरबी की एग्जाम हो चाहे और अदर ऑल वन डे एग्जाम हो, सब में ये काम करेगा। ये नहीं कि आरआरबी में पूछ लिया, कभी कभी आरआरबी का क्वेश्चन जो है सीजीएल वगैरह में पूछ लेते हैं सेम वही। कह रहा है कि उस पद का चयन कीजिए, उस पद का चयन कीजिए जो दूसरे पद से, जो किससे, दूसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्त कैसे हैं, जापान अगर कहा जाए, जापान की राजधानी कहां भैया, टोक्यो में। जापान की राजधानी कहां है, टोक्यो में। उसी तरह से चीन की राजधानी कहां पे है, बीजिंग में। कहां पे है, बीजिंग में, बीजिंग। आपका आंसर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर सी दिया है दोस्त, विकल्प नंबर सी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। अब इसमें बात करते हैं कि कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। अब इसमें बात करते हैं कुर्सी जो है, कुर्सी किसके अंतर्गत आता भैया, फर्नीचर। जैसे कोई भी सामान, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है, इनको कहा जाता है कि ये फर्नीचर है, ये सब फर्नीचर है। सेम उसी तरह से अगर कहा जाए शर्ट, शर्ट कहे या कपड़ा कहे, तो किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, गारमेंट्स के अंतर्गत। गारमेंट्स को क्या कहते हैं, शर्ट। क्या बोलते हैं भाई, गारमेंट्स को आप शर्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। समझ का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, तर्क से संबंधित है। समझ का अर्थ, ये समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है। और डूपे का अर्थ है धोखा देना, इसका मतलब है धोखा देना। और इसमें बात करते हैं डूपे को, डूपे का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, डूपे का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है धोखा देना। क्या देना, धोखा देना, धोखा देना, धोखा देना। और रही बात इसमें जो कान है, कान भी, कान का मतलब भी धोखा देना होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, धोखा देना, धोखा देना। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, समानार्थी शब्द बोला है, इसका मतलब समझ का मतलब तर्क, जैसे कोई भी चीज है
अगर आप समझ गए कैसे समझेंगे, तर्क वितर्क के माध्यम से। सेम उसी तरह से आपका डूपे, डूपे का मतलब होता है क्या भैया, कान। आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी सही दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया दोस्त। अब इसमें बात करते हैं, जैसे कहा जाए कि उस विकल्प का चयन करना, क्या करना, उस विकल्प का चयन करना जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब बात करते हैं जैसे ध्वनि, ध्वनि को कैसे क्या करते हैं भैया, ध्वनि को कान के माध्यम से सुनते हैं। समझ लीजिए कोई भी साउंड अगर बगल बगल में बज रहा है तो आपको कैसे पता चलता है कि ध्वनि बल ध्वनि बज रही है उधर से, ध्वनि आपके कान के माध्यम से ही सुनाई दे रही है भाई। उसी तरह से खुशबू जो है, खुशबू कैसे पता चलती है, खुशबू गंध से पता चलती है कि कैसे महसूस होती है, किस सोच होती है। खुशबू जो है आपके नाक के माध्यम से, नाक से जो है आप किसी चीज का अगर जैसे कि बताना है कि कैसा है, महक रहा है, किसकी इसकी खुशबू कैसी है, तो आप उसको सूंघ कर हित बता सकते हैं भाई, सूंघ कर हित बता सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब देखिए इसमें कहा जाए कि जैसा कि जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, और कह रहा है कि समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद का चुनाव करें, तीसरे पद का संबंधित पद का चुनाव करें। अब इसमें बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ऑस्टेड, चुंबकीय क्षेत्र कैसे संबंधित, चुंबकीय क्षेत्र ऑस्टेड ऑस्टेड और शक्ति कैसे होगा ऑस्टेड, तो बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिए भाई। सभी लोग जवाब दीजिए भाई इस क्वेश्चन का। चुंबकीय क्षेत्र की खोज जो है ये वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक किए थे, ऑस्टेड उनका नाम बता रहे हैं, लेकिन एक कौन से वैज्ञानिक है, क्रिश्चियन वैज्ञानिक है, कौन भैया, क्रिश्चियन वैज्ञानिक है, इनका नाम हैंस, हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेड ऑस्टेड, हैंस चुंबकीय क्षेत्र के खेत खोज करने वाले हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, क्या भैया, ऑर्स्टेड ऑर्स्टेड ऐसे ऑर्स्टेड। उसी तरह से शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, शक्ति ये जो भाप की खोज करने वाले वही जेम्स वाट ही थे, तो इनका नाम जो है वाट कहे या तो जेम्स वाट, इनका नाम क्या था भैया, जेम्स वाट, इन्हीं के नाम से जो है क्या पड़ा है, वाट, जेम्स वाट इनका नाम था, जेम्स वाट। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर सी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि जैसे आपको कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है, जैसे कि दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित। कह रहा है कि पेट्रोल, पेट्रोल का संबंध कार से है, पेट्रोल कैसे चलती भैया, कार से, कार का ईंधन क्या है भैया, पेट्रोल है। उसी तरह से विद्युत, विद्युत से क्या होता भैया, बल्ब जलाया जाता है, क्या चलता है, बल्ब। अंधेरा, अंधेरा से क्या लेना देना भैया, जब तक बल्ब नहीं जलेगा तब तक अंधेरा ही तो रहेगा। और कमरा, कमरा से नहीं मतलब वस्तु, वस्तु से नहीं मतलब, तो बल्ब विद्युत किससे संबंधित होगा, बल्ब से। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया। अब इसमें बात करते हैं कि कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। अब बात करते हैं गर्म, गर्म का विलोम क्या हो जाएगा भैया, ठंडा। विलोम कहने का मतलब उसका उल्टा, उसका रिवर्स,
गर्म का विलोम क्या हो जाएगा? ठंडा। उसी तरह से बोलना, जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा बार बार, बोलना उसका मतलब वो मौन, मौन धारण कर लेना, ना बोलना। ये समझ लीजिए शांत होना, शांत होने का मतलब जैसे कि बातचीत कर रहे हो, शांत हो गए, ये बात नहीं हुई भाई। चलना, चलने से कोई तात्पर्य ही नहीं बोलने से। शांत चित्त, मतलब शांत चित्त मतलब एकदम पूरा मनहूस बैठे हैं, ये सब नहीं। तो मौन, मौन का मतलब जो गूंगा, जो बोले ना। ठीक है भाई, आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें देखना है, कह रहा है कि उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से पहला दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है, जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। अब इसमें बात करते हैं कलाई, कलाई को कहाँ पहन, कलाई में क्या पहनी जाती है भैया? अगर आप देखेंगे ये आपका वॉच है, ये घड़ी है, यही तो कलाई में तो पहने हुए हैं। उसी तरह से अगर अंगूठी बात करते हैं, उंगली में क्या पहनी जाती है? उंगली में क्या पहनी जाती है भैया? अंगूठी पहनी जाती है। ये जो उंगलियां हैं इसमें क्या पहनी जाती है? अंगूठी पहनी जाती है, अंगूठा नहीं भैया, अंगूठी। अंगूठी आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त। जोड़, जोड़ से क्या लेना देना उसका? ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि हैंडबॉल, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? हैंडबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी हैं भैया? सात खिलाड़ी हैं। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? सात खिलाड़ी हैं। उसी तरह से फील्ड हॉकी में, उसी तरह से फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? फील्ड हॉकी की बात करते हैं तो फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 11 खिलाड़ी। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए शब्द से संबंधित, संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करती है, जो अच्छे तरीके से उसका जो है संबंध बताती है भैया? ये बताइए बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त? बास्केटबॉल की बात करते हैं तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पांच। उसी तरह से अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? 11 खिलाड़ी। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर सी। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसमें कह रहा है कि राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का किससे संबंध होगा? जिससे कहा जाए कि राफ्टिंग, राफ्टिंग का मतलब से तैरने से संबंधित है, जैसे पानी में एक प्रकार से देखा जाए कि इसका संबंध कैसे तैरना का ही है। राफ्टिंग का मतलब जैसे तैरने की, जैसे किसी के माध्यम से आप पानी में तैर रहे हैं, वो राफ्ट कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं। उसी तरह से स्कीइंग का मतलब होगा क्या भाई? स्कीइंग का संबंध बर्फ से हो जाएगा, जैसे बर्फ में अगर आप टहल रहे हैं, जैसे डोल हिल रहे हैं, तो बर्फ में टहलने के लिए आपको क्या स्कीइंग का माध्यम अपनाना पड़ता है, स्कीइंग उसे बोलते हैं, जो बर्फ में टहलते हैं उसको स्कीइंग बोलते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है। अब इसमें बात करते हैं लोहा, लोहा को क्या बोलते हैं भैया? आयरन। आयरन वही है अफी। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? इसका प्रतीक क्या है? आयरन का प्रतीक होता है Fe। और बात करते हैं चांदी का प्रतीक क्या होता है मेरे भाई? Ag होता है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag। और ये जो Na होता है, Na सोडियम का प्रतीक होता है। किसका? सोडियम का। Na किसका प्रतीक होता है? सोडियम का। और Cl की बात करते हैं, Cl किसका होता है? क्लोरीन का। किसका होता है भैया? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन, क्लोरीन का। किससे संबंध होता है? क्लोरीन। और बात करते हैं Ag, Ag आपका चांदी है ही, चांदी है। के का मतलब पोटेशियम,
पोटेशियम के को क्या बोलते हैं भैया? पोटेशियम। पोटेशियम के किससे संबंधित है भाई? पोटेशियम से। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? विकल्प नंबर आपका कौन सा? सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि उस विकल्पों में से वह संख्या चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या का पहले शब्द से संबंध। दूसरी संख्या पहले शब्द से कैसे संबंधित है? ठीक है भाई, अब इसमें बात करते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। उसी प्रकार से अगर कहा जाए कबड्डी में, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे दोस्त? 7 खिलाड़ी। कबड्डी की बात करते हैं तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। आपको कबड्डी में होते हैं कितना? 7 खिलाड़ी। ठीक है भाई, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई, किसी कोई समस्या तो नहीं इसमें। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। अब इसमें बात करते हैं, कांच कैसा होता भैया? कांच आपका पारदर्शी होता है, जिसमें आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार देखा जा सकता है, जिसमें आर पार देखा जा सकता है, आर पार दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, या आपको क्या होता है? पारदर्शी दिखाई दे, दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। लकड़ी ऐसी सब लकड़ी है, लकड़ी के क्या आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे, तो लकड़ी आपका क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई ना दे, जिसके आर पार दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, ना देता जिसके आर पार दिखाई ना देता है, तो क्या कहलाएगा आपका? अपारदर्शी। तो लकड़ी का संबंध कैसे हो जाएगा भैया? अपारदर्शी से हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा।